तो आज का काम शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले हमारा कंप्लीट फोकस रहेगा टाइम एंड वर्क पे, लेकिन इसको पढ़ाने से पहले मेरे को आपको LCM और HCF को समझाना पड़ेगा कि आखिरकार LCM और HCF होता क्या है। पूरा हमारा जो टाइम एंड वर्क के तीन लेक्चर रहेंगे वो इस पे ही बेस्ड रहेंगे, इसलिए इसको पढ़ने से पहले शुरू के 20-25 मिनट हम LCM और HCF को देते हैं। तो हमको पता है LCM लिया कैसे जाता है। मैं आपसे बोलूं 2, 4, 6 का LCM लो तो आप क्या करेंगे, 2, 4, 6, इसको किसी ऐसी संख्या से काटोगे जिससे तीनों कटे। 2 से काटोगे एक बार, ये काटोगे 2 बार, ये काटोगे 3 बार, फिर 2 से काटोगे 1, 1, 3, फिर 3 से काटोगे 1, 1, 1, और ये प्रक्रिया काटने की आपको कब तक जारी रखनी है, जब तक आपका यहां पे 1, 1, 1 ना जाए तब तक आपको ये प्रक्रिया जारी रखनी है। और इन तीनों का इंटू एलसीएम आ जाता है, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, मतलब 2, 4, 6 का एलसीएम कितना गया, 12 आ गया। अभी हमने इस एग्जाम्पल में ये तो देख लिया कि एलसीएम को निकाला कैसे जाता है, लेकिन अब हम इसको पढ़ने में इंटरेस्टेड रहेंगे कि आखिरकार एलसीएम होता क्या है। एल स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 2011 में यूपीएससी में एक प्रश्न आया था जो कि एलसीएम पे ही बेस्ड था, लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन था, उसको करने में बच्चों में असमर्थता रही थी, बिना एलसीएम की डेफिनेशन जाने उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता है, इसलिए हमको यह पढ़ना पड़ेगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल या हिंदी में इसको बोलेंगे लघुतम सम अपवर्त्य, लघुतम सम अपवर्त्य। आपको पता है लीस्ट को हिंदी में क्या बोला जाता है, छोटा। लीस्ट का मतलब क्या होगा, छोटा। लघुतम का मतलब क्या हो गया, छोटा। कॉमन का मतलब क्या होगा, सम का मतलब क्या होगा, एक जैसा। जैसे 2, 4, 6 और 8, 4, 12 में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो इसमें क्या कॉमन हो गया, समान क्या हो गया, 4 कॉमन हो गया। अब अपन फोकस करते हैं मल्टीपल किस चीज को कहते हैं, फिर अपन इस पूरी डेफिनेशन को पढ़ेंगे। मैं आपसे पूछूं 2 के मल्टीपल क्या है, तो आप बोलोगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ऐसे ही चलते चले जाएंगे। 3 के मल्टीपल क्या है, 3, 6, 9, 12, 15 और ऐसे ही चलते चले जाएंगे n तक। किसी भी संख्या के मल्टीपल, किसी भी नंबर के मल्टीपल वो संख्याएं होती हैं जो उस संख्या से पूरी तरह डिवाइड हो। मतलब क्या, 2 के मल्टीपल ऐसी संख्याएं होंगी, ऐसे नंबर होंगे जो 2 से डिवाइड होंगे। देख लो आप, 2, 2 से डिवाइड हो रहा है, 4, 2 से डिवाइड हो रहा है, 6, 2 से डिवाइड हो रहा है, 8, 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 2 के मल्टीपल केवल वो ही संख्या हो सकती है जो 2 से डिवाइड होंगी। 3 के मल्टीपल केवल वो ही संख्या हो सकती है जो 3 से डिवाइड होंगी। मतलब मैं आपसे कहूं 16 3 का मल्टीपल होगा क्या, 16 3 से डिवाइड ही नहीं हो रहा तो इसका मल्टीपल तो ये हो नहीं सकता है। तो आपको मल्टीपल में क्या पता चल गया, किसी भी संख्या के मल्टीपल वो ही संख्या होती है जो उससे पूरी तरह डिवाइड हो, या किसी भी संख्या के अपवर्त्य वे संख्याएं होती हैं जो उस संख्या को पूरी तरह विभाजित करें, ये याद रखना। अगर मैं आपसे बोलूं मल्टीपल का मतलब, तो अपन को समझ में आ गया मल्टीपल होता क्या है। अपन लिखते हैं 2 के और 4 के मल्टीपल, शुरू के 5 मल्टीपल, 2, 4, 6, 8, 10। 4 के शुरू के 5 कौन से हो गए, 4, 8, 12, 16 और 20, ये 4 के मल्टीपल हो गए, ये हो गया मल्टीपल। अब आप देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में 4 भी कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 8 भी कॉमन आ रहा है, इसका छठवां मल्टीपल 12 होगा तो इसमें 12 भी कॉमन आ रहा है। तो हमने अभी तक क्या देख लिया, कॉमन मल्टीपल, इसके कॉमन मल्टीपल क्या गए, 4, 8 और 12। लेकिन एलसीएम की डेफिनेशन क्या कहती है, हमको कॉमन मल्टीपल तो चाहिए, लेकिन कैसा चाहिए, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो इनमें से सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कितना हो गया, 4, तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 4। ये इसकी बेसिक थ्योरी होती है। एक और बार मैं आपको बता देता हूं, 2 के मल्टीपल वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो, 2 से विभाजित हो, 4 के मल्टीपल वो नंबर होंगे जो 4 से डिवाइड हो। अगर कोई ऐसी संख्या है जो 2 से भी डिवाइड हो रही है और 4 से भी डिवाइड हो रही है तो वो क्या हो जाएंगे, कॉमन मल्टीपल। उन कॉमन मल्टीपल में से आप सबसे छोटा ले लोगे तो वो क्या हो जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा।
सबसे छोटा एक जैसा अपवर्ग या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहां तक की चीज क्लियर है? तो एलसीएम का मतलब क्या हो गया? सबसे छोटा लेकिन एक जैसा मल्टीपल। इस डेफिनेशन को याद रखना, लिख भी लो। एलसीएम का मतलब क्या हो गया? सबसे छोटा तो होना चाहिए लेकिन एक जैसा मल्टीपल होना चाहिए। अब इस एक जैसे मल्टीपल से क्या सर हमको कोई क्वेश्चन इंपोर्टेंट करने को मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। थोड़ा सा पहले इसके एक दो एग्जांपल और देखते हैं। मैं आपसे बोलूं 3, 4, 6 के मल्टीपल लिखो, पहले हम क्या लिखेंगे? केवल मल्टीपल। शुरू के 5 मल्टीपल 3 के बता दो मेरे को, 3, 6, 9, 12, 15। 4 के कौन कौन से हो गए? 4, 8, 12, 16, 20। 6 के कौन से हो गए? 6, 12, 18, 24, 30। ये इनके मल्टीपल हो गए। कॉमन मल्टीपल देखो आप, कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हो गए? सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा आ रहा है? इसमें 12 आ रहा है। तो ये क्या हो गया? इसका एलसीएम हो गया। आप इसमें एक चीज नोटिस करो, किसी भी नंबर का पहला मल्टीपल क्या होगा? 3 का पहला मल्टीपल कौन है? 3। 4 का पहला मल्टीपल कौन है? 4। 5 का, 6 का पहला मल्टीपल कौन है? 6। मतलब किसी भी नंबर का पहला मल्टीपल क्या होगा? संख्या खुद ही होगी, नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर का पहला मल्टीपल क्या होगा? संख्या स्वयं ही होगी। और किसी भी नंबर का आखिरी मल्टीपल क्या होगा? n। यस और नो? किसी भी संख्या का आखिरी मल्टीपल क्या होगा? n होगा। यहां तक की बेसिक चीज आपको क्लियर है? तो ये दोनों चीज आपको याद रखना है। एलसीएम का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, सबसे छोटा लेकिन एक जैसा मल्टीपल। अब इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन लिख लो। लिखो एक क्वेश्चन लिखिए। चलिए मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझा देता हूं। क्वेश्चन मत लिखो, एग्जाम्पल के थ्रू ही बोर्ड पे मैं लिख देता हूं और उसको आप समझ लेना। मान लो मैं आपसे बोलता हूं एक स्कूल है और उसमें 3 अलग अलग पीरियड लगते हैं। अब प्रिंसिपल अपने स्कूल में ये देखता है कि सबसे ज्यादा टाइम का होना चाहिए मैथ्स, क्योंकि मैथ्स में बच्चों को दिक्कत आती है। दूसरे नंबर का होगा इंग्लिश, इसको भी अच्छा खासा टाइम देना है, और हिंदी क्योंकि एक सरल सब्जेक्ट है इसलिए इसमें थोड़ा सा कम टाइम ले लो। मतलब मैं आपसे यह बोलना चाहता हूं, प्रिंसिपल ने डिसाइड करा मैथ्स का पीरियड होगा 40 मिनट का, इंग्लिश का पीरियड होगा 30 मिनट का, और हिंदी का पीरियड होगा 20 मिनट का। समझ में आ गया? स्कूल की स्टार्टिंग हुई सुबह 8 बजे से, ओके? अब आप मेरे को बताओ इन तीनों की पहली घंटी कितने बजे बजेगी? 8 बजे ही बजेगी। पहला सायरन जो बजेगा वो तो 8 बजे ही बजेगा, स्कूल के स्टार्टिंग में सारे पीरियड एक साथ 8 बजे लगेंगे। मतलब 8 बजे इन तीनों की घंटी एक साथ बजी, लेकिन अगली बार मैथ्स की कब बजेगी? 8:40 पे। इंग्लिश की कब बजेगी? 8:30 पे। और हिंदी की कब बजेगी? 8:20 पे। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, अगर स्कूल की तीनों घंटियां सुबह 8 बजे एक साथ बजती हैं, तो दोबारा ऐसा टाइम कौन सा आएगा जब ये तीनों घंटी एक साथ बजे? समझ में आ गया क्या क्वेश्चन है मेरा? सुबह 8 बजे तो बज गई जब स्कूल स्टार्टिंग हुआ, लेकिन दोबारा ऐसा टाइम कब आएगा जब ये तीनों घंटी एक साथ बजे? तो हम देखते हैं, पहले तो इसको सिंपल तरीके से देखेंगे। 8:40 पे बजेगी, ये कब बजेगी? 8:30 पे। ये कब बजेगी? 8:20 पे। क्या आपको एक जैसा टाइम मिला के जब तीनों एक साथ बज रही? नहीं। आगे बढ़ते, ये कब बजेगी? 9:20 पे। ये 9 बजे और ये 8:40 पे। तो अभी भी हमारा काम हुआ क्या? नहीं हुआ। अगली बार ये कब बजेगी? 9:40 पे। सॉरी, ये कब बजेगी? 10 बजे। ये कब बजेगी? 9:30 पे। और ये कब बजेगी? 9 बजे। तो हमको एक जैसा टाइम इन दोनों का तो मिल गया, ये दोनों घंटी आपस में 9 बजे एक साथ बढ़ेंगी, लेकिन ये वाली नहीं बजेगी। इसलिए और आगे चलो, ये कितनी बजे बजेगी? 10:30। ये कितनी बजे बजेगी? 10। और ये कितनी बजे बजेगी? 9:20 पे। अब हमको मिल गया पहले और सेकंड नंबर की घंटी दोनों एक साथ कब बजेगी? 10 बजे। अगर यहां भी 10 बजे बज जाए तो तीनों घंटियां एक साथ बज जाएंगी। आगे चलते हैं, अभी तक तो हमको तीनों का मिला नहीं है। अगली बार यहां पे 11 और यहां पे 10:30 और यहां पे 9:40। अगली बार यहां पे
11:40 क्योंकि 40 मिनट बाद यहां पे 11 बजे और यहां पे 10 बजे, मतलब 10 बजे ऐसा टाइम आएगा जब ये तीनों घंटियां आपस में दोबारा एक साथ बजेंगी। समझ में आ गया? 10 बजे स्कूल में फिर से ऐसा टाइम आएगा दो घंटे बाद जब ये तीनों घंटियां आपस में एक साथ बजेंगी। देखिए क्वेश्चन ये है, तीनों आपस में एक साथ कब बजे, इससे मतलब नहीं है यहां तीसरे पीरियड में बज गई, यहां चौथे में बज गई और यहां पे छठे में बज गई, तीनों एक साथ बजनी चाहिए, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। लेकिन मान लो आप मेरे को बताओ, क्या ऐसा समय 12 बजे भी आ सकता है कि जब तीनों साथ बज, आ सकता है, पॉसिबल है ना, हो सकता है 12 बजे भी ऐसा टाइम आए जब तीनों एक साथ बजे, हो सकता है 2 बजे भी ऐसा टाइम आए जब तीनों एक साथ बजे, और हो सकता है 4 बजे भी ऐसा टाइम आए जब तीनों एक साथ बजे। ये सुनो, हो सकता है, पॉसिबल है, उसमें से आपने कौन सा चुना, सबसे छोटा टाइम, मतलब सबसे पहली बार कब बज रही है, 12 बजे, सॉरी 10 बजे बज रही है, आपने इन टाइम में से सबसे छोटा टाइम कौन सा चुना, 10 बजे का। ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें आप निकाल ही नहीं पा रहे हो, पता नहीं कितनी देर बाद घंटी बजे, तो क्या करेंगे आप, इसका लेंगे एलसीएम, 40 मिनट का, 30 मिनट का, 20 मिनट का एलसीएम ले लो, इसको काटो 10 से तीनों को तो कितना आया, 4 3 2, इसको काटो 2 से तो कितनी बार कट गया, 2 3 1, फिर 2 से काटो 1 3 1, और फिर 3 से काटो 1 1 1, हमारा एलसीएम कितना आ गया, 10 × 2 = 20, 20 × 2 = 40, 40 × 3 120 मिनट। 120 मिनट बाद ऐसा टाइम आएगा जब ये तीनों एक साथ बजेंगी। लेकिन सर आप हमें ये बताओ, हमने एलसीएम क्यों लिया है, कोई बता सकता है मेरे को मैंने एलसीएम क्यों लिया है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में मैंने एलसीएम क्यों लिया है? देखिए आपने क्या सबके लिए कॉमन टाइम मांगा है, क्या बताओ मेरे को, एक जैसा टाइम मांगा है ना, पहली तो शर्त ये, दूसरा आपने सबसे छोटा कॉमन टाइम मांगा है क्या, 10 12 2 4, उसमें से आपको क्या चाहिए, सबसे पहली बार कब बजेंगी, मतलब आपको सबसे छोटा कॉमन टाइम चाहिए, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल या सबसे छोटा कॉमन टाइम, ये दोनों डेफिनेशन एक ही है, इसलिए हमने इसमें क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। मतलब जब भी किसी भी क्वेश्चन में सबसे छोटे की और कॉमन की बात होगी तो हम उसमें तुरंत की तुरंत क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे बिना सोचे समझे। इस क्वेश्चन में उसने ऐसे कम से कम समय की बात की है लेकिन कॉमन टाइम की बात की है जब वो तीनों एक साथ बजे, इसलिए हमने ले लिया एलसीएम। 120 मिनट का मतलब कितने घंटे, 8 और 8 बजे बजी थी, 8 और 2 कितने हो गए, अब हमारा डायरेक्ट ही आंसर आ गया, 10 बजे वो एक साथ बजी थी। एक क्वेश्चन इससे मिलता है, जल्द आप कर लो, लिखिए तीनों एक साथ 8 बजे ही बज रही हैं, इतना लिखो, तीनों सुबह एक साथ 8 बजे ही बज रही हैं, पहली 40 मिनट बाद बजती है, दूसरी 50 मिनट बाद बजती है और तीसरी 60 मिनट बाद बजती है, तो दोबारा साथ साथ कितने बजे बजेंगी, कर लीजिए इसको, दोबारा ऐसा टाइम कब आएगा जब वो तीनों एक साथ बजेंगी। तीनों घंटियां सुबह एक साथ 8 बजे बजती हैं, पहली 40 मिनट बाद, दूसरी 50 मिनट बाद और तीसरी 60 मिनट बाद, तो फिर ऐसा समय दोबारा कब आएगा जब वो तीनों एक साथ बजे, कॉमन समय चाहिए क्या अपन को, ये बताओ मेरे को, अरे सब एक साथ बजे तो कॉमन समय चाहिए और सबसे छोटा चाहिए, तो सबसे छोटा और कॉमन का मतलब होता है एलसीएम, तो इसका एलसीएम निकाल लिया जाए, निकाल लीजिए। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2011 में आया था, और अगर हमको एलसीएम का मतलब पता नहीं होगा तो फिर हमको बड़ी दिक्कत होने वाली है। बताइए 10 घंटे बाद 40, 50 और 60 का एलसीएम ले लो, कितने मिनट आ गया, 600 मिनट, 600 मिनट मतलब कितने घंटे, 10 घंटे। अब आप मेरे को बताओ, अगर आप इसमें 10 घंटे प्लस करते रहते तो आप क्या हो जाते, बाबा जी ही हो जाते,
ठीक है ना, 10 घंटे तक कहां तक हम निकालते। इसलिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक देख ली है कि अगर सबसे छोटा और कॉमन पूछा गया तो हम तुरंत टाइम वेस्ट किए बिना क्या ले लेंगे, उसका डायरेक्टली एलसीएम ले लेंगे। इस चीज को आप याद रखना। अच्छा आप मेरे को एक चीज बताओ यार, एलसीएम वाले चैप्टर में अपन ने अभी देखा, एलसीएम वाले चैप्टर में अभी अपन ने देखा, अगर मैं आपसे बोलूं 2, 3, 4 का आप एलसीएम ले लो, 2, 3, 4 का आप एलसीएम ले लो, तो एक बात बताओ आया था कितना 12। ये सुन लो, 2, 3, 4 का एलसीएम आ गया 12। क्या 12 2 के टेबल में आता है क्या? क्या 12 3 के टेबल में आता है क्या? क्या 12 4 के टेबल में आता है क्या? मतलब किन्हीं भी नंबर्स का आप एलसीएम लोगे तो वो सबसे डिवाइड होना चाहिए तो ही वो एलसीएम होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ में आ गया? मान लो मैं बोलूं 10 और 20 का एलसीएम लो, आप बोल रहे हो 15। 15 10 से डिवाइड होता है क्या? 15 20 से डिवाइड होता है क्या? तो 15 इसका एलसीएम हो ही नहीं सकता। अगर अपन 10 और 20 का एलसीएम बोले 10 हो सकता है क्या? 10 10 से तो कट रहा है, लेकिन 10 20 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, पूरी तरह कटना चाहिए। 10 और 20 का एलसीएम 20 हो सकता है क्या? 10 20 से भी कट रहा है, सॉरी 20 10 से भी कट रहा है और 20 20 से भी कट रहा है। एक और बार इसको डेफिनेशन के हिसाब से मैं आपको बताता हूं। 2, 4, 6, 2 और 4 ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये इसके मल्टीपल हो गए, 4, 8, 12, 16 ये इसके मल्टीपल हो गए। कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हो गए? 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, लेकिन हमको एलसीएम से मतलब है तो हम सबसे छोटा ले लेंगे। सबसे छोटा इनमें से कौन है? 4 है। अब आप मेरे को बताओ क्या 4 2 से कट रहा है क्या? क्या 4 4 से कट रहा है क्या? अरे तभी तो कॉमन मल्टीपल आएगा ना जब वो दोनों से कटेगा। मतलब किसी भी नंबर का एलसीएम उन सभी नंबर से कटना चाहिए। लिख लो, जिन भी नंबर्स का हमको एलसीएम चाहिए, जिन भी नंबर्स का हमको एलसीएम चाहिए वो हमेशा उन सभी नंबर्स से कटना चाहिए, उन सभी नंबर से कटना चाहिए। पीछे से कोई भी उनको 4-5 पेज दे दो और एक पेन दे दो। चलिए अभी दे दीजिए आप कोई भी उनको। तो किन्हीं भी नंबर्स का मतलब अगर मैं आपसे बात करूं भैया 5, 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा, आप डायरेक्ट बता सकते हो क्या? अरे आप कोई ऐसी संख्या बता दो ना जो 5 से भी कट रही हो, 10 से भी कट रही हो, 15 से भी कट रही हो। मैं 30 मान सकता हूं क्या? यस और नो? 30 5 से भी कट रहा है, 30 15 से भी कट रहा है, 30 10 से भी कट रहा है। आप मेरे को बताओ 30 क्या तीनों के मल्टीपल है क्या? 30 5 का भी मल्टीपल है 6 बार, 30 10 का भी मल्टीपल है 3 बार, और 30 15 का भी मल्टीपल है 2 बार। तो जो मल्टीपल होगा वो तो कटेगा ही सही ना। डायरेक्ट बताओ 6, 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 6, 8 और 12 का 24 ले ले, क्योंकि 24 तीनों से कट रहा है, 24 6 से भी कट रहा है, 24 8 से भी कट रहा है और 24 12 से भी कट रहा है। मैं आपसे बोलूं 15 30 और 5 और 10 का एलसीएम बताओ मेरे को कितना हुआ, डायरेक्ट बोलो सबसे कटना चाहिए 30 ले ले, सबसे छोटा तो 30 ही है ना। 30 5 से भी कट रहा है, 30 10 से भी कट रहा है, 30 30 से भी कट रहा है, 30 15 से भी कट रहा है। मतलब अगर इन 4 नंबर्स का आपको एलसीएम चाहिए तो वो इन 4ों से ही कटना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? इन 4 नंबर का एलसीएम हमेशा इन 4ों से ही कटना चाहिए। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। आगे के क्वेश्चन इसके करना स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, अच्छा चलो इसको कर ही लेते हैं। आप मेरे को बताओ 1 से लेके 100 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 6 से कटेंगे या 6 से डिवाइड होंगे? 1 से लेके 100 के बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे जो 6 से डिवाइड होंगे? एक तो होगा 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, उसके बाद 48, 50, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90 और 96। यही नंबर्स होंगे। 1 से लेके 100 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं होंगे, कितने नंबर्स होंगे जो 6 से कटे? कितने हो गए टोटल? 16। टोटल कितने हो गए? 16। आप या तो ऐसे निकाल लो या डायरेक्ट क्या करो, 100 को कर दो 6 से डिवाइड, 16 बार गया 96, बचा कितना? 4। तो जितनी बार डायरेक्ट कट जाए उतने ही नंबर कटेंगे। मतलब
वन से थाउजेंड के बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे जो छह से कटेंगे? क्या करोगे? डायरेक्टली थाउजेंड को छह से डिवाइड कर दोगे। एक बार जाएगा छह, बचेगा कितना? चार, चालीस। छह बार जाएगा छत्तीस, बचे कितना? चार, चालीस। छह बार जाएगा छत्तीस, बचे कितना? चार। तो कुल मिला के कितने नंबर हो गए? 166 नंबर्स हो गए, एक से लेके हजार के बीच में जो छह से कटेंगे। लेकिन सर हम तो एलसीएम पढ़ रहे हैं, हम तो बेसिक न्यूमेरेसी पढ़ नहीं रहे, तो ऐसे क्वेश्चन हमने क्यों करे? मान लो मैं आपसे पूछता एक से लेके सौ के बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे जो दो से भी कटे, तीन से भी कटे और चार से भी कटे। समझ में आ गया क्वेश्चन? एक से लेके सौ के बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे जो दो से भी कटे, तीन से भी कटे, चार से भी कटे? अब आप मेरे को बताओ, दो से भी कटे, तीन से भी कटे, चार से भी कटे, कॉमन मांग रहे हैं हम, मतलब हम क्या लेंगे इसमें एलसीएम? दो तीन चार का एलसीएम ले लो, कितना गया? बारह। अब बारह को कर दो, सौ को कर दो बारह से डिवाइड। समझ में आ गया आपको? एक और बार मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट देखा एक से हजार के बीच में ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो छह से कटेंगे। इस क्वेश्चन में हमने देखा एक से लेके सौ के बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे जो दो तीन चार से कटे। अभी मैंने आपको बताया दो तीन चार का एलसीएम जो होगा वो दो से भी कटेगा, तीन से भी कटेगा, चार से भी कटेगा। एलसीएम कितना आ गया? बारह। तो आप क्या करो, डायरेक्टली सौ को बारह से डिवाइड कर दो। आठ बार कितना आ गया? 96। मतलब टोटल कितने नंबर होंगे? आठ नंबर होंगे। निकाल के देख लेते हैं, सबसे पहला कौन सा होगा? बारह। दूसरा कौन सा? चौबीस। तीसरा कौन सा? छत्तीस। चौथा कौन सा? अड़तालीस। समझ में आ गया ना आपको? तो 12 की टेबल में ही वो नंबर होगा जो दो तीन साल से कटे। हमने पढ़ तो लिया ना, एलसीएम की बात कर रहे हैं तो एलसीएम तो भैया सबको ही काटेगा, इन तीनों नंबरों को काटेगा। अब आप देख लो, ये सारे के सारे नंबर इन सबको काट रहे हैं। यहां तक क्लियर है? तो ये चीज आपको याद रखनी है, हमने एलसीएम केवल टाइम एंड वर्क के लिए पढ़ा है, तो अभी के लेवल के हिसाब से इतना ठीक है। क्या बताया मैंने आपको? दो तीन चार का एलसीएम हमेशा ऐसे नंबर हो जो दो से, तीन से और चार से कटे। यहां तक क्लियर? मैं बोल सकता हूं कि आठ, बोलो आठ दो से तो कट गया, आठ चार से तो कट गया, आठ तीन से कट रहा है क्या? तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब टाइम को वेस्ट किए बिना हमारा टाइम एंड वर्क के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इतना लेवल तो हमारा कवर हो चुका है कि हम एलसीएम को हाथों हाथ निकाल पाए, जो कि आज के हमारे लेक्चर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप हेडिंग डाल लो टाइम एंड वर्क, बहुत ही सिंपल चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें आपको लिखने का काम ज्यादा नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन को डायरेक्ट हम ट्रिक से ही लिखेंगे। टाइम एंड वर्क लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखना चाहते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ए ने किसी काम को 10 दिन में निपटाया। ए कोई भी कर्मचारी है, उसने किसी काम को 10 दिन में निपटाया। बी ने किसी काम को 20 दिन में निपटाया। अगर ए और बी दोनों मिल गए तो काम कितने दिन में पूरा होगा? समझ में आ गया? ए ने किसी काम को 10 दिन में निपटाया, बी ने किसी काम को 20 दिन में निपटाया। अगर ए और बी दोनों मिल जाएं तो काम कितने दिन में पूरा होगा? अब आप ये मत बोल देना मेरे से 30 दिन में पूरा होगा, कि सर ए ने 10 दिन, बी ने 20 दिन, दोनों मिलके करेंगे 30 दिन में। आप मेरे को बताओ, एक मजदूर आपने घर पे लगाया, वो कितने दिन में काम को निपटा रहा है? 10 दिन में। दूसरा कितने दिन में निपटा रहा है? 20 दिन में। जब एक अकेला ही 10 दिन में निपटा रहा था, जब ये आके इसकी मदद करेगा तो काम तो 10 दिन से कम में ही पूरा होगा ना। ये सुनो, ए अकेला ही उस काम को 10 दिन में निपटा रहा था, बी के आने से उसको मदद मिलेगी, तो काम ए अब 10 दिन से, ए और बी दोनों मिलेंगे तो 10 दिन से तो कम में पूरा होगा ना। तो अगर ऑप्शन आ जाए ऐसा कुछ, ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 11, सी ऑप्शन है 15, डी ऑप्शन है 17, तो क्या करोगे आप? 10 से कम वाली लोगे। आप भी मेरे को बताओ, एक अकेला व्यक्ति 10 दिन से कम में कर रहा है, दूसरा आएगा तो और उसको हेल्प मिलेगी, तो कम टाइम में काम पूरा होगा, इतना याद रखना। इस तरह के क्वेश्चन में टाइम एंड वर्क के पार्ट वन में आपको दो ट्रिक्स याद रखनी है। वो दो ट्रिक क्या है हम देखेंगे। ए ने किसी काम को 10 दिन में निपटाया, बी ने किसी काम को 20 दिन में निपटाया, पैरेलल आप लिखते भी चलिए, तो ए और बी उस काम को कितने दिन में निपटाएंगे? सबसे पहले इस चैप्टर में आपको निकालना रहेगा, मैं यहां पे लिख देता हूं ट्रिक्स। फर्स्ट स्टेप आपको क्या करनी है,
सबसे पहले निकालना है आपको टोटल यूनिट वर्क, टोटल यूनिट वर्क, उसके बाद निकालना है पर डे वर्क। अब ये टोटल डे वर्क और पर डे वर्क क्या है सर, हमको जरा समझा दो। और टोटल यूनिट वर्क आएगा एलसीएम लेने से, इसलिए हम एलसीएम पढ़ चुके हैं कि एलसीएम होता क्या है। टोटल यूनिट वर्क कैसे आएगा, एलसीएम लेने से। 10 और 20 का एलसीएम कितना हो गया, ऊपर लिख लेते हैं टोटल वर्क, तो 10 और 20 का एलसीएम कितना हो गया, 20 यूनिट हो गया ना, टोटल यूनिट वर्क 20 यूनिट। क्यों, 10 और 20 का एलसीएम ऐसी संख्या हो जो 10 से भी कटे और 20 से भी कटे, तो 20 तो 10 से भी कटता है और 20 20 से भी कटता है। टोटल यूनिट वर्क क्या है मैं आपको बताता हूं। अभी तक हमने इस क्वेश्चन में यह देख लिया, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करे और बी किसी काम को 20 दिन में पूरा करे, दोनों मिल जाएंगे तो काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, लेकिन यह पता नहीं है आखिरकार काम है कितना, वो क्या है, टोटल यूनिट है, मतलब 20 यूनिट। मतलब अब 20 यूनिट मतलब कुछ भी हो सकता है सर, मतलब क्या 20 यूनिट मतलब 20 किलोमीटर चलना, 20 समोसे बनाना, 20 मील चलना, 20 बर्गर बनाना, 20 यूनिट वर्क कुछ भी हो सकता है, 20 ईट लगाना। तो मतलब ए और बी को कुल मिला के कितने किलोमीटर चलना है या कितनी ईटें लगानी है, 20 यूनिट लगानी है। टोटल वर्क कितना हो गया, 20 यूनिट। अब ए 10 दिन में पूरे काम को करता है और बी 20 दिन में पूरे काम को करता है। ए ने 10 दिन में पूरा काम किया, पूरा काम कितना है, 20 यूनिट है ना। बी ने 20 दिन में पूरा काम किया, पूरा काम कितना है, 20 यूनिट। मतलब आप इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में याद रख के चला, ए ने 10 दिन में पूरा काम किया मतलब 20 यूनिट पूरा काम है, ए ने 10 दिन में 20 यूनिट किया और बी ने 20 दिन में 20 यूनिट करा। आप मेरे को बताओ मेहनती कौन है, ए या बी? अरे जो 10 दिन में 20 यूनिट निपटा रहा है और जो 20 दिन में 20 यूनिट निपटा रहा है, तो मेहनती ए है ना, कम समय में टाइम को, कम समय में काम को निपटा रहा है, यस और नो? अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल यूनिट वर्क और उसको ऊपर रख लेंगे, फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, पर डे वर्क। अगर आप मेरे को बताओ ए 10 दिन में 20 यूनिट कर रहा है, एक दिन में कितना करेगा, 2 यूनिट पर डे, यस और नो? बी 20 दिन में 20 यूनिट कर रहा है, एक दिन में कितना करेगा, 1 यूनिट पर डे। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 यूनिट पर डे। यहां तक क्लियर? ए ने एक दिन में 2 यूनिट किया, बी ने एक दिन में 1 यूनिट किया, दोनों ने मिलकर कितना किया, 3 यूनिट। तो पूरा काम, अच्छा 3 यूनिट करने से पूरा काम निपट गया क्या, ए और बी को तो 20 करना है, अभी तो 3 ही निपटा है, यस और नो? तो इनको कहां तक करना पड़ेगा, जब तक 20 पूरा ना हो जाए। एक दिन में 3 यूनिट, 2 दिन में 6 यूनिट, 3 दिन में 9 यूनिट, 4 दिन में 12 यूनिट, 5 दिन में 15 यूनिट, 6 दिन में 18 यूनिट, 7 दिन में 21 यूनिट। मतलब काम 6 से 7 दिन के बीच में पूरा होगा, यस और नो? तो 6 से 7 के बीच में आपको जो भी ऑप्शन मिले लगा देना, लेकिन मान लो 6 से 7 के बीच के ही 4 ऑप्शन मिल गए तो क्या करें, यस और नो? अभी हमने यह सीख लिया कि ए ने और बी ने मिलके एक दिन में 3 यूनिट करा, उनको करना है पूरा काम, पूरा काम कितना है, 20 यूनिट। तो 20 यूनिट कितने दिन में करेंगे, 6 से 7 दिन के बीच में। आप मेरे को जरा एक चीज बताओ, ए और बी मान लो एक दिन में 3 जामफल खा रहे हैं, 20 जामफल कितने दिन में खाएंगे, 20 अपॉन 3 दिन में खाएंगे ना, ये सुन लो, सिंपल लो। ए और बी एक दिन में 5 पेंसिल बना रहे हैं, 100 पेंसिल कितने दिन में बनाएंगे, 20 दिन में ही तो बनाएंगे ना, 5 × 20 = 100, तो इसको अपन ने डिवाइड कर दिया, मतलब कितने दिन में काम निपटेगा, 20/3 दिन में पूरे काम निपट जाएगा। एक और बार में इस क्वेश्चन को आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन ये था ए ने किसी काम को 10 दिन में करा, बी ने किसी काम को 20 दिन में करा, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में निपटाएंगे। सबसे पहले आप निकालोगे टोटल यूनिट वर्क एलसीएम लेके, 10 और 20 का एलसीएम ऐसी संख्या हो जो 10 से भी कटे 20 से भी कटे, टोटल यूनिट वर्क कितना आ गया, 20 यूनिट। फिर निकालोगे आप पर डे वर्क, ए ने 10 दिन में 20 यूनिट करा, एक दिन में 2 यूनिट करेगा, बी ने 20 दिन में 20 यूनिट करा, एक दिन में 1 यूनिट करेगा, दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना करा, 3 यूनिट। 20 यूनिट पूरा काम कितने दिन में निपटाएंगे, 20/3। क्लियर? अगला क्वेश्चन लिखो और इसी ट्रिक से लिखते चलना, पूरा पूरा क्वेश्चन लिखना मत। ए किसी काम को 20 दिन में करे और बी किसी काम को 30 दिन में करे, ए किसी काम को 20 दिन में करे और बी किसी काम को कितना लिखा है हमने,
30 दिन में करें, दोनों मिलके कितने दिन में काम को पूरा करेंगे, मतलब ए प्लस बी कितने दिन में पूरा करेंगे। तो जैसे जैसे हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचते जाएंगे हमारी स्पीड बढ़ जाना चाहिए। दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे बताइए। 12 देख लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले आपने क्या निकाला, टोटल यूनिट वर्क कैसे आया, ए ने किसी काम को कितने दिन में करा, बी ने किसी काम को कितने दिन में करा, क्या पूछा है ए और बी कितने दिन में करेंगे, यही पूछा है। टोटल यूनिट वर्क कितना आएगा दोनों का एलसीएम, 20 और 30 का एलसीएम, ऐसी संख्या जो 20 से भी कटे 30 से भी कटे, मतलब टोटल यूनिट कितना आ गया 60 यूनिट। ए और बी को पूरा काम निपटाना है, 20 दिन में इसने कितना किया 60 यूनिट, हमको क्या करना है पर डे वर्क निकालना है। 20 दिन में 60 यूनिट एक दिन में, 30 दिन में 60 यूनिट एक दिन में, दोनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे 5 यूनिट पर डे। 5 यूनिट पर डे से पूरा काम हो गया या पूरा 60 यूनिट करना है, एक दिन में 5 यूनिट कर रहे हैं तो 60 कितने दिन में करेंगे 12 दिन में। तो अब जैसे जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते जाएंगे टाइम हमको कम से कम कंज्यूम करना है। क्लियर हो गया, अगले क्वेश्चन पे आए, अगला लिखिए, अगला मैं करा रहा हूं। तो सबसे पहले टोटल यूनिट, उसके बाद पर डे, और उसके बाद तो पूरा आ ही जाना चाहिए। ए किसी काम को 10 दिन में करे, बी किसी काम को 20 दिन में करे, सी किसी काम को 30 दिन में करे, तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब क्वेश्चन ये, सर अभी तक तो हमने दो ही मेंबर पढ़े थे ए और बी, अब तीन आ गए, तो क्या सर पैटर्न चेंज होगा कि वही रहेगा? वही रहेगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, टोटल यूनिट निकालोगे। टोटल यूनिट कैसे आएगी आप लोग मेरे को बता दो, 10, 20 और 30 का एलसीएम लेके, 10, 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा, जो 10 से भी कटे, 20 से भी कटे, 30 से भी कटे, मतलब कितना, अरे 60 10 से भी कट रहा है, 20 से भी कट रहा है, 30 से भी कट रहा है। अब ए, अब क्या निकालना है पर डे वर्क, 10 दिन में 60 यूनिट, एक दिन में 6 यूनिट, 20 दिन में 60 यूनिट, एक दिन में 3 यूनिट, 30 दिन में 60 यूनिट, एक दिन में 2 यूनिट, तीनों ने मिलके एक दिन में कितनी कर ली भैया, 11 यूनिट काम कर लिया। मतलब ये 6 ईटे लगा रहा होगा, ये 3 लगा रहा होगा, ये 2 लगा रहा होगा, तीनों मिलके एक दिन में कितना लगा रहे हैं, 11 ईटे लगा रहे हैं। ये है इस यूनिट सिस्टम का मतलब। तो पूरा काम कितने दिन में होगा, यस और नो, हो गया सिंपल है, इसको लिख लो। तो इस लेवल से हमको बहुत सारे क्वेश्चन सिंपल पढ़ने वाले, ट्रिक्स सिर्फ यही है। अभी हम इसी ट्रिक से पाइप और सिस्टम भी करेंगे। अगला क्वेश्चन करिए, ए किसी काम को 10 दिन में करे, ए डज ए वर्क इन 10 डेज, बी डज ए वर्क इन 20 डेज, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, सी उसी काम को 30 दिन में करता है, और डी उसी काम को 40 दिन में करता है। क्वेश्चन क्या होगा अगला, चारों मिलके उसको कितने दिन में करेंगे, कर लीजिए। आप जाके चेक करेंगे घर पे अगर बुक्स में, तो आपको कोई भी बुक ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें चार व्यक्ति दिए हों, लेकिन इस ट्रिक से अगर चार व्यक्ति भी आ गए तो हमारा काम हो जाएगा, कर लीजिए। कितना गया 24/5, देखते हैं यही आ रहा है, वेरी गुड। एक और बार इसको कराया जाए सर, ए 10 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में, डी 40 दिन में। क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितने दिन में काम को करेंगे, यस और नो। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, टोटल यूनिट काम निकालेंगे, कितना आ गया एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा चारों से कटे, याद आ रहा है कि नहीं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इन तीनों का, इन चारों का एलसीएम ऐसी संख्या होगी जो इन चारों से कटे, कितना आ रहा है भैया एलसीएम 120 यूनिट, वेरी गुड। 10 दिन में 120 यूनिट पर डे काम निकालना है, 10 दिन में 120 यूनिट, एक दिन में, वेरी गुड, 20 दिन में 106 यूनिट, कितनी, वेरी गुड, कितनी, टोटल चारों मिलके कितने कर रहे हैं
25 यूनिट पर डे, तो कुल मिला के काम कितना है 120 यूनिट, कितने दिन में करेंगे? इसको काटेंगे अपन 5 से 5 बार, इसको काटेंगे 5 से कितनी बार जा रहा है 24 बार, टोटल कितने डेज लगे 24/5 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया? इस तरह के लेवल के क्वेश्चन बिल्कुल खुश मत हो, बिल्कुल नहीं आएंगे। क्वेश्चन तो सर टफ लेवल का आएगा और हम उसी टफ लेवल को पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे लिख के बता रहा हूं, उसको पैरेलल समझते चलना। अब मैंने क्वेश्चन मान लो उल्टा कर दिया, उसको लिख भी लो, लिखो इफ ए डज ए वर्क इन 10 डेज, अगर ए किसी काम को 10 दिन में निपटाता है, इफ ए डज ए वर्क इन 10 डेज, अगर ए किसी काम को 10 दिन में निपटाता है, एंड ए एंड बी डज द सेम वर्क इन 3 डेज, और ए और बी मिलके उसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। क्वेश्चन रिपीट, इफ ए डज ए वर्क इन 10 डेज एंड ए एंड बी डज द सेम वर्क इन 3 डेज, अगर ए किसी काम को 10 दिन में निपटाता है और ए और बी उसी वर्क को, उसी काम को 3 दिन में निपटाते हैं, ये ज्ञात कीजिए कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। हाउ मेनी डेज विल बी टेक टू कंप्लीट द वर्क अलोन, टू कंप्लीट द वर्क अलोन। क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं, उसको लिख लेते हैं बोर्ड पे। क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है, पता नहीं है ना, यही तो नहीं कर रहा है। ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में कर रहे हैं। क्वेश्चन उल्टा दे दिया इस बार, उसने ये बोल दिया आपसे ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, ए और बी उस काम को 3 दिन में कर रहे हैं, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया है क्या? क्या करो, कुछ भी चेंज नहीं होगा, यही चलेगा। सबसे पहले निकालो टोटल यूनिट, कितना आ गया टोटल यूनिट, 10 और 30 का एलसीएम, 10 और 30 का एलसीएम, ऐसी संख्या हो जो 10 से भी कटे 3 से भी कटे, टोटल यूनिट आ गया 30 यूनिट। ए ने 10 दिन में 30 यूनिट करे, एक दिन में कितने 3 यूनिट, ए और बी ने एक दिन में 3 यूनिट करे, सॉरी ए ने पूरे काम को 10 दिन में निपटाया, 10 दिन में 30 यूनिट, एक दिन में 3 यूनिट, 3 दिन में 30 यूनिट, एक दिन में 10 यूनिट करेगा ना भैया, यस और नो? अरे 10 दिन में 30 यूनिट तो एक दिन में 3 यूनिट, 3 दिन में 30 यूनिट तो एक दिन में 10 यूनिट, मान लो 3 दिन में 30 समोसे बनाए तो एक दिन में 10 ही तो बनाएगा ना, 10 यूनिट पर डे, 10 समोसे पर डे, ये हो गया। अब आप मेरे को बताओ ए ने अकेले ने एक दिन में कितने यूनिट निपटाया, 3, ए और बी ने कितना निपटाया 10, ए ने अकेले ने कितने यूनिट निपटाए 3, ए और बी ने कितने यूनिट निपटाए 10, 7 कहां से आ गए, मतलब 10 में से 3 तो ए ने करे, 7 यूनिट कौन कर रहा होगा, बी कर रहा होगा, यस और नो? ए ने अकेले ने 10 दिन में 3 यूनिट, मतलब एक दिन में 3 यूनिट करे, ए और बी ने एक दिन में 10 यूनिट करे, ए ने 3 करे, ए और बी ने 10 करे, 7 ज्यादा कहां से आए, ए के 3 तो हो ही गए, बच्चे 7 10 में से किसने करे होंगे, बी ने, बी एक दिन में कितने यूनिट कर रहा है, पूरा काम कितना है 30, कितने दिन में करेगा 30 बटे में 7 दिन, समझ में आ गया? तो 30 बटे में 7 दिन में पूरे काम को वो निपटा लेगा, लिख लीजिए इसको। तो क्वेश्चन कुछ भी आ जाए आप अपना पैटर्न एक ही रखना, ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते चलोगे उतने ही ज्यादा आपको ये क्वेश्चंस इजी लगने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, इसको भी मैं आपको डायरेक्टली ट्रिक से लिखवा रहा हूं, क्वेश्चन को लिखो, ए किसी काम को 10 दिन में करे, बी किसी काम को 20 दिन में करे, ए बी सी उस काम को 5 दिन में करे, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में निपटाएगा। क्वेश्चन क्लियर, ए ने 10 दिन लिए, बी ने 20 दिन लिए, ए बी सी ने 5 दिन लिए,
तो सी अकेला कितने दिन में करेगा? करिए, बीस दिन में देखते हैं अभी। वेरी गुड, आप बहुत जल्दी आंसर ला पा रहे हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। गुड, कितना आ गया? 20 दिन आ गया। क्वेश्चन को करा जाए सर, ए ने कितने दिन लिए? 10 दिन। बी ने कितने दिन लिए? 20 दिन। सी ने कितने लिए? नहीं पता। ए बी सी ने कितने दिन में काम को निपटा दिया? 5 दिन में। यस और नो? सबसे पहले क्या निकालेंगे? लिखा हुआ है टोटल यूनिट, कैसे आएगा? एलसीएम लेके 10, 20 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 20 होगा ना। 20 10 से भी कट रहा है, 20 से भी कट रहा है, एलसीएम निकाल रहे, तीनों से कटना चाहिए। अब बार बार नहीं बताऊंगा। अब क्या निकालेंगे? पर डे वर्क। 10 दिन में 20 यूनिट, एक दिन में 2 यूनिट। 20 दिन में 20 यूनिट, एक दिन में 1 यूनिट। 5 दिन में 20 यूनिट, एक दिन में 4 यूनिट। यस और नो? ए और बी ने कितने यूनिट करे एक दिन में? 3 यूनिट। ए बी और सी ने कितने करे? 4। ए और बी ने कितने कर लिए? 3। ए बी और सी ने कितने करे? 4। ए और बी ने 3 कर लिए, टोटल आ रहा है 4। एक ज्यादा किसने किया होगा? सी ने ही तो किया होगा ना। यस और नो? ए और बी ने 3 कर लिए, टोटल ए बी सी ने 4 करे, ए और बी ने 3 करे, तो एक ज्यादा 4 यूनिट कहां से आया? एक सी कर रहा होगा, तो सी ने एक दिन में कितना काम करा? काम आ गया क्या सी का पूरा? सी को कितना करना है? पूरा काम करना है। पूरा काम कितना है? 20 यूनिट। एक दिन में एक यूनिट, 20 यूनिट कितने दिन में? 20 दिन। समझ में आ गया? तो ये इसका पैटर्न है। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखा जाए, ये तो सर टाइम एंड वर्क का हो गया, लेकिन क्या और कुछ भी ऐसे चैप्टर है क्या जो इस मेथड से हम कर सकते हैं? करते हैं, बिल्कुल। मान लो मैंने आपसे पूछा, कोई भी नल है ए, कोई भी नल है ए, वो टंकी को 10 घंटे में भर देता है। समझ में आ गया? 10 आवर्स में फुल कर देता है। दूसरा नल है बी, वो टंकी को अलग से अगर चलाया जाए 20 आवर्स में भर देता है। आपने एक लेजम लगाई, ए कितने घंटे में भर दिया उसने टंकी को? 10 में। आपने दूसरी लगाई बी, वो 20 में भर रहा है। दोनों को अगर चालू कर दोगे एक साथ तो टंकी तो जल्दी भरेगी ना। जब ए अकेला ही 10 घंटे में पूरी टंकी को भर रहा था, ए और बी मिल जाएंगे तो और 10 घंटे से कम ही समय लगेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? सेम पैटर्न ही तो है, सेम पैटर्न ही है ना। टोटल यूनिट वर्क निकाल लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन चेंज हो जाए और ये पूछ लिया जाए, ए नल किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है, बी नल उसी टंकी को 20 घंटे में खाली करता है, मतलब एक नल भरने का काम कर रहा है और दूसरा पानी को निकालता जा रहा है, निकालता जा रहा है, निकालता जा रहा है। अगर आपने दोनों ही एक साथ चला दिए, एक भर रहा है दूसरा खाली कर रहा है, तो टंकी कितने देर में भरेगी? क्वेश्चन क्लियर? अब इसको करा जाए। ए नल किसी टंकी को कितनी देर में भर रहा है? 10 घंटे में भर रहा है। अब देखिए, घंटे हो या दिन हो, पैटर्न एक ही रहेगा। उसमें हम टोटल यूनिट वर्क निकाल लेते हैं, फिर एक दिन का काम निकाल लेते हैं। आप कितने घंटे का निकालेंगे? एक घंटे का काम निकाल लेंगे। ये सुनो, क्लियर? ए ने 10 घंटे में टंकी को भरी। भरने को मैं प्लस लिखूं या माइनस, आप ही बता दो। प्लस ही लिखेंगे, प्लस लिख देते हैं। बी ने 20 घंटे में टंकी को खाली किया, क्या लिख दूं? माइनस। क्लियर? ए और बी अगर साथ साथ चलाएंगे तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? अब आप ये मत सोचना सर, सर टंकी भर कैसे जाएगी? अरे कोई ऐसा पॉइंट तो आएगा ना जब टंकी भरेगी। हाँ मैं मानता हूं, या तो वो ओवरफ्लो होने लगेगी या नीचे से बी का नल पानी निकालता जाएगा, लेकिन एक तो ऐसा पॉइंट आएगा ना, वो कितने घंटों में आएगा, हम ये बात कर रहे हैं। टोटल यूनिट काम कितना हो गया? जल्दी बोलो, 20 यूनिट। 10 घंटे में 20 यूनिट, एक घंटे में प्लस का 2 यूनिट पर आवर। 20 घंटे में 20 यूनिट, एक घंटे में माइनस का 1 यूनिट पर आवर। क्यों? क्योंकि टंकी ये भर रही है, इसलिए प्लस के 2 यूनिट काम कर रही है।
और टंकी भी खाली कर रही है, सॉरी नल भी खाली कर रहा है, इसलिए माइनस का एक। मतलब मैं आपको समझाता हूं, ये वो टंकी है, इसमें एक नल ये लगा एक भी लगा, ये मान लो दो यूनिट है, एक घंटे में ए ने कितना कर दिया, दो यूनिट भर दिया, तुरंत ही बी ने कितना खाली कर दिया, एक यूनिट खाली कर दिया, मतलब कितना बचा, बचा ना, हर घंटे ए दो यूनिट भर रहा है और बी एक निकाल रहा है, दो यूनिट भर रहा है एक निकाल रहा है, दो यूनिट भर रहा है बी एक निकाल रहा है, ये चल रहा है। एक घंटे में टोटल कितने यूनिट भरा हो रहा है, एक यूनिट ही तो भरा हो रहा है ना, अरे दो माइनस एक एक ही तो होगा ना, ये सुनो, एक यूनिट एक घंटे में तो 20 कितने घंटे में, मतलब 20 घंटे में ऐसा समय आएगा जब टंकी भरी मिलेगी। तो यूनिट मेथड से हमने देखा काफी अलग अलग लेवल के सवाल हो सकते हैं, टाइम एंड वर्क को चाहें तो हम परसेंटेज से भी कर सकते हैं, लेकिन आज का हमारा वो एजेंडा नहीं है, इसलिए हम इस पे ही फोकस करेंगे। तो इस लेवल के क्वेश्चन आए तो कर लेंगे आप, तीन नल हुए तो क्या होगा, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, डाउट होगी क्या आपको, पैटर्न सेम रहेगा, यस और नो, एक क्वेश्चन और कर ले इसी का, लिख लो, ए नल किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है, बी उसे 20 घंटे में भरता है, और सी उसी टंकी को 30 घंटे में खाली कर देता है, मतलब दो भर रहे ए और बी, और सी 30 घंटे में खाली कर रहा है, तीनों नल एक साथ चलेंगे तो कितने देर में टंकी भर जाएगी, तो तीनों नल एक साथ खोल दिया आपने, बता दो मेरे को इसमें से माइनस का कौन सा आएगा, ए का या बी का, सी का आएगा, कर लो जल्दी से, टोटल यूनिट कितनी आएगी, एलसीएम लोगे 10 20 और 30 का एलसीएम 7, ए कितने यूनिट कर रहा है, बी सी माइनस 2, एक घंटे में टोटल निकाल लो कितना यूनिट आ गया, करिए जल्दी करिए, आप लोग करिए, मेरे को बताओ कब भरेगी टंकी, 60/7, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। एक और बार इस क्वेश्चन को देखेंगे और फिर अगले लेवल पे जाएंगे, अगले लेवल में तो मजा आएगा क्योंकि टफ है, ये तो सिंपल लेवल है, ए 10 घंटे में टंकी को भर रहा है, बी 20 घंटे में टंकी को भर रहा है, और सी 30 घंटे में टंकी को खाली कर रहा है, ए बी सी अगर एक साथ चला दिए तो कितने घंटे में टंकी भर जाएगी, टोटल यूनिट कितना है, 10 घंटे में 60 यूनिट एक घंटे में प्लस का आएगा, 20 घंटे में यही आएगा माइनस, टोटल कितना यूनिट हुआ, 7 यूनिट एक घंटे में, 60 कितने घंटे में, 60/7, यस और नो, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन समझो, पहले मैं बोलना क्या चाह रहा हूं उसको समझो, अगला क्वेश्चन है, मान लो ए और बी अब चेंज हो गया सर, आप मेरे को बताओ अभी तक हमने कैसे क्वेश्चन देखे, अकेला एक व्यक्ति, क्लियर, अभी हम जब टाइम एंड वर्क में आगे बढ़ेंगे तब हम देखेंगे 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में निपटा रहे, अभी हमने एक ही व्यक्ति देखा, इंडिविजुअली देखा, जब 10 और 20 पे आएंगे तब टोटल यूनिट तरीका चेंज हो जाएगा, ये याद रखना, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि समझ में आ जाए। अब क्वेश्चन क्या है, बस आप समझो, अभी लिखो मत, ए और बी ने किसी काम को 20 दिन में निपटाया, बी और सी ने उसी काम को 30 दिन में निपटाया, ए और सी ने उसी काम को 40 दिन में निपटाया, ऐसे क्वेश्चन आते, ए और बी ने किसी काम को 20 दिन में करा, बी और सी ने उसी काम को 30 दिन में करा, और ए और सी ने उसी काम को 40 दिन में करा, तीनों एक साथ मिल जाएंगे तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, हमको क्या चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये सुनो, तो सर ये तो अलग है, अलग है ना, हमारा पैटर्न क्या कह रहा है, ये हम यही करेंगे, आपकी मदद से मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, टोटल यूनिट काम कितना आएगा, 120 यूनिट, ये सुनो, 20 दिन में 120 एक दिन में, 30 दिन में 120 एक दिन में, 40 दिन में 120 एक दिन में, ये हो गया। अब मैं इनको सबको जोड़ लूं क्या, तीनों को जोड़ लूं, ए कितनी बार है, बी कितनी बार है,
सी कितनी बार है, टोटल यूनिट कितनी आ गई, वेरी गुड। यहां तक क्लियर, कोई डाउट है क्या? दो बार है, दो बार भी, दो बार सी। आपको दो बार है, दो बार भी, दो बार सी चाहिए, एक बार है, एक बार ही? दो कॉमन ले ले, यस और नो, दो कॉमन ले ले, कॉमन ले लिया दो, जो मल्टीप्लाई में वो इधर जाके डिवाइड में हो गया, 13/2 यूनिट पर डे आ गया, यस और नो? यही तो चाहिए हमको, एबीसी कितने दिन में करेंगे, यस और नो? अब आपने निकाल लिया ए बी और सी एक दिन में कितना करते हैं, 13/2 यूनिट, या 13/2 को सोल्व करेंगे कितना आएगा, 6.5 डेज, मतलब 6 दिन और 12 घंटे, क्योंकि एक दिन 24 का होता है तो 0.5 उसका आधा कितने का होगा, 12 घंटे का, 6.5 दिन में काम को निपटा लेंगे, सॉरी 6.5 यूनिट एक दिन में काम करेंगे। अभी तो यूनिट निकाला है ना हमने, पूरा काम 120 कितने दिन में करेंगे, लेकिन पॉइंट का सिस्टम चलता नहीं है टाइम एंड वर्क में, तो पॉइंट हटा दूं, ऊपर क्या लगा दूं, इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ गया, समझ में आ गया? तो दो बार ए थे, दो बार बी थी, दो बार सी थी, हमने दो को कॉमन ले लिया, इसके नीचे पटक दिया, क्योंकि उसने हमसे क्या पूछा था, ए बी सी कितने दिन में करेंगे, ना कि दो ए दो बी दो सी कितने दिन में करेंगे। क्लियर? एक क्वेश्चन करो, ए और बी किसी काम को 50 दिन में करें, बी और सी उसी काम को 60 दिन में करें, तो ए और बी मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, ए और बी उस काम को मिलके कितने दिन में करेंगे, जल्दी से इसको सॉल्व करो। ए और सी भी कर लो, मैं थोड़ा सा चेंज करा देता हूं, ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, ए और सी कितने दिन में कर रहे हैं, 80। अब निकालो ए बी सी कितने दिन में करेंगे, करिए, कर लोगे कि नहीं? कितना आ गया, 12। जल्दी बताइए, इतना टाइम नहीं मिलेगा कंपटीशन एग्जाम में दोस्तों, मैथ्स आपको आती है लेकिन कम समय में नहीं कर पा रहे तो कोई फायदा नहीं है, इसी को मैं आपको घुमा फिरा के टफ तरीके से भी बता सकता था। क्या करोगे सबसे पहले, 50, 60, 80 का एलसीएम ले लो, कितना आया, 50, 60 और 80 का एलसीएम कितना, 1200। अब निकाल लो यार, दो बार है, दो बार भी, दो बार सी आ रहा है तो 2 से डिवाइड कर देना, उसके बाद बेसिक है, तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ए और बी कितने दिन में, 50 दिन में, बी और सी 60 दिन में, ए और सी 80 दिन में, हमसे क्या पूछा है, ए बी सी कितने दिन में करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल यूनिट कितना आएगा, 1200 आ रहा है, निकाल लिया आपने, 50 दिन में 1200 यूनिट, एक दिन में कितने, जल्दी बोलो, 24 यूनिट पर डे, 60 दिन में 12 यूनिट, 1200 यूनिट, एक दिन में कितने, 20 यूनिट, 80 दिन में 1200 यूनिट, एक दिन में कितने, दो, तीनों को जोड़ूंगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c कितने करेंगे एक दिन में, कितने यूनिट, हाँ 59 यूनिट। दो को कॉमन लूंगा क्योंकि मेरे को abc निकालना है, दो को कॉमन लेके इसके नीचे पटकूंगा, तो abc बराबर कितना आएगा, 59/2, 59/2 कितना होता है, 29.5, तो abc एक दिन में कितने यूनिट कर रहे हैं, 29.5, 1200 कितने दिन में करेंगे, 1200 अपॉन 29.5, और 0.5 अटाके में ऊपर लगा दूंगा 0, इसको कैलकुलेट करने के बाद हमको आंसर मिल जाएगा, समझ में आ गया? बढ़े अगले लेवल पे,
तो एक बार मैं चाहूंगा आप दो मिनट इसको दोबारा से देख लो और कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि अगला लेवल खतरनाक होने वाला है और हम बहुत टफ क्वेश्चन करेंगे। कुछ डाउट है तो पूछिए। तो एनी डाउट सो फार है? बड़े आगे मेरे टाइम को वेस्ट करें। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, पूरा लिखना है इस क्वेश्चन को, हिंदी इंग्लिश मैं दोनों को पैरेलल डिक्टेट करूंगा, तो जिस भी मीडियम में उसमें लिखते चलो। ए किसी काम को 10 दिन में करे, इफ ए डज ए वर्क इन 10 डेज, बी उसी काम को 20 दिन में करे, बी डज द सेम वर्क इन 20 डेज। तो सर ये तो सेम है, अभी थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, लिखते रहो। ए किसी काम को 10 दिन में करे और बी उसी काम को 20 दिन में करे, इफ ए डज द वर्क इन 10 डेज एंड बी डज द सेम वर्क इन 20 डेज। अगर 5 दिन बाद, सॉरी, अगर 5 दिन काम करने के बाद एक काम को छोड़ के चला जाता है, इफ आफ्टर 5 डेज, इफ आफ्टर वर्किंग फॉर 5 डेज, इफ आफ्टर वर्किंग फॉर 5 डेज ए ए लीव द वर्क, ए लीव द वर्क, अगर 5 दिन काम करने के बाद ए काम को छोड़ के चला जाता है, ए लीव द वर्क, बचा हुआ काम बी पूरा करे एंड द रिमेनिंग वर्क इज डन बाय बी, बचा हुआ काम बी पूरा करे एंड द रिमेनिंग वर्क इज डन बाय बी, तो बी को काम करने में कितने और दिन लगेंगे, तो बी को काम करने में कितने और दिन लगेंगे, देन हाउ मच मोर डेज विल बी टेक टू कंप्लीट द वर्क, हाउ मच मोर डेज विल बी टेक टू कंप्लीट द वर्क। मैं आपको समझा देता हूं क्या बोला है उसने। ए किसी काम को 10 दिन में करे, बी किसी काम को 20 दिन में करे। शुरू के 5 दिन कौन काम करता है, ए या बी या दोनों? ए काम करता है। 5 दिन के बाद ए काम करता है या बी काम करता है? तो 5 दिन बाद ए काम को छोड़ के चला गया, तो बचा हुआ काम कौन पूरा कर रहा है, तो कितने दिन में पूरा होगा? अब ये तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया, हमारा पैटर्न चेंज होगा क्या? नहीं। देखिए मैथ्स में मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता देता हूं, कोई भी क्वेश्चन आए सबसे पहले आप क्या करोगे, डाटा को कलेक्ट करोगे, कुछ भी नहीं सोचोगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाटा का कलेक्शन करेंगे, बस ये ट्रिक याद रखना मैथ्स में, डाटा कलेक्ट। तो डाटा को कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। ए ने कितने दिन में करा, 10 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। यहां तक हो गया। ए कितने दिन तक काम कर रहा है, ए वर्क्स फॉर 5 डेज, और 5 दिन के बाद कौन काम करता है, बचा हुआ काम भी पूरा करता है, रिमेनिंग वर्क इज डन बाय बी, रिमेनिंग वर्क इज डन बाय बी, बचा हुआ काम बी पूरा करता है, तो बी को कितने दिन लगेंगे। यही क्वेश्चन है क्या? इन 4 लाइनों में पूरा क्वेश्चन का डाटा कलेक्ट हो गया, क्या हो गया? ए ने 10 दिन में काम को निपटाया, बी ने 20 दिन में काम को निपटाया, शुरू के 5 दिन ए काम करता है, बाद में काम को छोड़ के चला जाता है, बचा काम बी पूरा करता है, तो काम कितने दिन में बी अकेला पूरा करेगा, डाटा कलेक्ट। अब करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्या करोगे दोस्तों, 10 और 20 का एलसीएम लेके टोटल यूनिट आएगा, कितने यूनिट आ गया, 20 यूनिट। 10 दिन में 20 यूनिट, एक दिन में 2 यूनिट पर डे, 20 दिन में 20 यूनिट, एक दिन में 1 यूनिट पर डे। यहां तक क्लियर, सेम है। शुरू के 5 दिन कौन काम कर रहा है, ए ने एक दिन में कितना काम किया, 2 यूनिट किया, 5 दिन में कितना निपटा लेगा, यस और नो? शुरू के 5 दिन ए ने काम करा, एक दिन में ए 2 यूनिट निपटा रहा है, 5 दिन में कितना निपटा लेगा, 10 यूनिट निपटा लेगा। काम कितना बचा, अब 20 में से 10 तो ए ने कर लिया, बचा कितना, 10 कौन पूरा करेगा, वेरी गुड, ये सुन लो, डाटा कलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपके हिसाब से मैं चलता गया।
ए ने शुरू के 5 दिन काम किया, 1 दिन में 2 यूनिट किया, 5 दिन में 10 यूनिट करा, 20 में से 10 तो हो गया, बचा कितना बचा 10, 10 कौन करेगा बचे हुआ काम, बी करेगा, यहां तक क्लियर। ए सॉरी बी एक दिन में कितना कर रहा है 10 यूनिट, कितने दिन में करेगा 10 दिन में पूरा करेगा, मतलब बी को काम करने में कितने दिन लगेंगे और 10 दिन लगेंगे। अच्छा अभी क्वेश्चन क्या है, बी को काम करने में कितने और दिन लगेंगे, यही है ना, कितने लगेंगे। अगर मैं आपसे ये पूछता दोनों ने मिलके काम कितने दिन में खत्म करा होगा, 5 दिन तो ए ने काम करा, 10 दिन बी ने, तो दोनों ने मिलके 15, जो भी क्वेश्चन हो उसके हिसाब से आप आंसर दे देना। अगर उसने पूछा होता बी ने कितने ज्यादा डेज लिए, हाउ मेनी डेज बी टुक मोर टू कंप्लीट द वर्क, कितना हो गया 10 दिन, अगर दोनों का पूछता तो कितना हो जाता 15। क्लियर, एक और क्वेश्चन करा जाए ऐसा कर लेते हैं। लेकिन ए किसी काम को कुछ भी दूंगा मैं अपनी मर्जी से, आप लोगों को करते आना चाहिए, ए किसी काम को 15 दिन में करता है। अब आप मेरे से एक डाउट मत पूछना, सर आपने तो हमको ए कराया है, बी कराया है, सी कराया और डी कराया है, पेपर में रमेश आ गया राम आ गया तो भी यही पैटर्न रहेगा क्या, ये सिली डाउट तो मेरे से पूछना मत, ठीक है ना, नाम चेंज हो सकते हैं लेकिन पैटर्न तो यही रहेगा। ए किसी काम को 15 में करे, बी किसी काम को 30 में करे और सी किसी काम को 45 में करे, यदि कुछ भी करेंगे हम अपनी मर्जी से लेंगे, यदि ए और बी शुरू के 5 दिन मिलके काम करें, यदि ए और बी मिलके शुरू के 5 दिन काम करें, बचा हुआ काम बी पूरा करे, इतनी टफ हिंदी तो है नहीं, अंडरस्टूड है, इतनी तो है समझने लायक तो है ही सही, ठीक है। तो ए किसी काम को 15, बी किसी काम को 30, सी किसी काम को 45, शुरू के 5 दिन कौन काम कर रहा है, 5 दिन ही कर रहे हैं ना, ए और बी काम कर रहे हैं, बचा हुआ काम सी पूरा करे, मतलब 5 दिन केवल ए और बी करेंगे, बचा काम पूरा सी। तो सबसे पहले क्या करें, डाटा कलेक्ट, यस और नो करते, ए कितने दिन में, बी सी शुरू के 5 दिन कौन काम करता है, रिमेनिंग काम कौन पूरा करता है, सी कितने दिन में काम को निपटाएगा, टोटल यूनिट कितना, वेरी गुड 90 यूनिट, एलसीएम ले लिया, 15 दिन में 90, एक दिन में 30 दिन में 90, एक दिन में 45 दिन में 90, एक दिन में, अरे भैया 45 दिन में 90 समोसे बनाए, एक दिन में 2, यही चल रहा है ना। शुरू के 5 दिन किसने काम किया, ए और बी ने, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 9 यूनिट, 5 दिन में कितना करेंगे, सही कर रहे हैं, यहां तक क्लियर। बचा कितना, 90 में से 45 हो गया, बचा कितना, ये 45 यूनिट काम कौन करेगा, सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 45 कितने दिन में करेगा, आ गया आंसर, समझ में आ गया पैटर्न, लिख लो। क्लियर, वेरी गुड। आए बड़े आगे, अगले लेवल पे चले, अभी तक के डाउट है क्या, ऐसा तो नहीं लग रहा भूल जाओगे, रटोगे तो भूलोगे, समझोगे तो नहीं भूलोगे, कर लोगे किसी भी लेवल का क्वेश्चन। सबसे पहली कंडीशन अपनी मैथ्स में क्या है, डाटा को कलेक्ट करना, डाटा को इंटरप्रेट करना, क्या करना, डाटा को कलेक्ट करना, कलेक्ट करोगे तो अपने आप आता चला जाएगा, ठीक है आगे बढ़ते। देखिए ए किसी काम को 15 दिन में करे, बी किसी काम को 20 दिन में करे, इसको समझ लो, करो मत पहले, लिखो मत पहले, समझ लो। मान लो आपने दो कर्मचारियों को बुलाया, एक है कल्लू, कल्लू कितने दिन में काम कर रहा है 15 दिन में, एक है बबलू, बबलू कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में, कल्लू ज्यादा मेहनती है बबलू ज्यादा मेहनती है,
कल्लू मेहनती है ना, क्योंकि कल्लू कितने दिन में कर रहा है, 15 में। बबलू कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। मैंने ये डिसाइड करा, पहले दिन कल्लू आएगा, दूसरे दिन बबलू, तीसरे दिन कल्लू, चौथे दिन बबलू, पांचवें दिन, मतलब अल्टरनेट डेज में काम करने का मैंने बोल दिया। समझो इसको, ए किसी काम को 15 दिन में करे, बी किसी काम को 20 दिन में करे। पहले दिन कौन काम करने आ रहा है, ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, पांचवें दिन ए, छठे दिन बी, ऐसा ही चलता जाए जब तक काम पूरा ना हो। ठीक है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा, कुछ भी क्वेश्चन हम बना लेते हैं, लिख लो इसको। ए किसी काम को 10 दिन में करे, ए डज ए वर्क इन 10 डेज, 15 लिखा था आपने, 15 लिख लो। ए डज ए वर्क इन 15 डेज, ए किसी काम को 15 दिन में करे, ए डज ए वर्क इन 15 डेज, बी डज द सेम वर्क इन 30 डेज, बी डज द सेम वर्क इन 30 डेज, बी उस काम को 30 दिन में करे। अगर पहले दिन ए काम करे, दूसरे दिन बी काम करे, तीसरे दिन ए काम करे, चौथे दिन बी काम करे, और ऐसा ही चलता रहे, पहले दिन कौन, ए, दूसरे दिन कौन, बी, तीसरे दिन कौन, सी, चौथे दिन कौन, सॉरी, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, पांचवें दिन किसकी बारी आएगी, अब आप ही बताओ, छठे दिन किसकी बारी आएगी, वेरी गुड। तो टोटल काम अल्टरनेट डेज में, सर ये क्या खिचड़ी है। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, कलेक्ट करें। इसमें मैं कुछ अजीब सा तो लिख ही नहीं रहा, ए कितने दिन में निपटा रहा है, 15 दिन में निपटा रहा है, बी कितने दिन में निपटा रहा है, यहां तक। पहले दिन किसका, रुको, डेज, यहां पे डेज और यहां पे मैन या वर्कर। पहले डे में कौन काम कर रहा है, दूसरे डे में, तीसरे डे में, चौथे डे में, पांचवें डे में, छठे डे में, ऐसे ही चलता रहेगा आगे, ये सुन लो। ठीक है, हो गया सर। टोटल यूनिट वर्क निकाल लें, अब डाटा कलेक्ट हो गया, इसके अलावा क्वेश्चन में और कुछ पूछा है क्या, आप मेरे को बताओ। डाटा कलेक्ट हो गया, फॉर्मेट क्या रहेगा, ये टोटल यूनिट वर्क कितना आ गया, आपकी मदद से ही करना चाहूंगा, कितना आ गया, 30 यूनिट। 15 दिन में 30 यूनिट एक दिन में, 2 यूनिट पर डे, 30 दिन में 30 यूनिट एक दिन में, 1 यूनिट पर डे, यस और नो। पहले दिन किसकी बारी है, एक दिन में कितना कर रहा है, पहले दिन कितना काम होगा, दूसरे दिन कितना काम होगा, तीसरे दिन कितना काम होगा, चौथे दिन कितना होगा, पांचवें दिन कितना होगा, छठे दिन कितना होगा, यस और नो, क्लियर। शुरू के 2 दिन में कितना काम निपट रहा है, फिर 2 दिन में कितना निपटा, फिर 2 दिन में कितना निपटा, मैं ऐसा मान सकता हूं कि हर 2 दिन में 3 यूनिट निपट रहा है, हर 2 दिन में 3 ही तो निपट रहा है ना दोस्तों। 4 दिन में कितना निपटेगा, 6 यूनिट। ऐसे तो नहीं करेंगे हम सर, कहां तक ले जाएंगे। मान लो ये 5000 यूनिट होता तो ऐसे ही चलते क्या, कुछ ट्रिक से ही चलते ना। हर 2 दिन में कितना यूनिट काम हुआ, आपको कितना करना है, 30 यूनिट, यस और नो। हर 2 दिन में कितना काम हुआ, किसी ऐसे नंबर से इनको मल्टीप्लाई करो, आप 30 के क्लोज पहुंच जाओ। इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी मैं 10 से करूंगा, 20 दिन में कितना हो गया, 30 यूनिट काम। समझ में आ गया, लिख लो, कर लो इसको। तो डाटा कलेक्ट कर लो बस, उसके बाद तो दिमाग दौड़ ही जाएगा। एनी डाउट सो फार, अभी तक कुछ डाउट, एक और बार में चाहूंगा इसी क्वेश्चन को आप एक बार खुद ही सॉल्व कर लो, और कुछ डाउट है तो पूछो। आ गया समझ में, अगला क्वेश्चन करें।
अगला थोड़ा सा टेक्निकल लिख लो। अच्छा मैं यहीं के यहीं आपको समझा देता हूं, लिखने की जरूरत आपको नहीं है, यहीं की यहीं समझा देता हूं। फॉर्मेट तो आपको समझ में आ ही गया है। अब मैंने मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया आपको अल्टरनेट डेज में ही, ए ने किसी काम को 10 दिन में करा। ओके देखिए क्वेश्चन में अपनी मर्जी से आपको कुछ भी दे सकता हूं और एग्जामिनर भी कुछ भी दे सकता है, फॉर्मेट याद है ना, तो क्या दिक्कत है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी हम अलग अलग क्वेश्चन निकालने की कोशिश करेंगे। ए ने 10 दिन में किया, ए ने कितने दिन में किया, बी ने कितने दिन में किया, 20 दिन में। पहले दिन किसने काम किया, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, ऐसा ही चल रहा है। क्वेश्चन सेम है, कुछ अंतर है क्या? कुछ भी नहीं है अंतर, पहले 15 था यहां पे 30 था, अंतर है क्या है सर? करते टोटल यूनिट निकाल ले, कितना आ गया एलसीएम 20, 10 दिन में 20 यूनिट एक दिन में, 20 दिन में 20 यूनिट एक दिन में। पहले दिन कौन काम कर रहा है, एक दिन में कितना कर रहा है, पहले दिन कितना काम होगा, बी कितना कर रहा है, दूसरे दिन कितना काम होगा, 2 यूनिट, सही कर रहा हूं क्या, यहां पे कितना लिखू, यहां पे कितना, यहां पे कितना, ऐसे ही चलता जा रहा है। हर 2 दिन में कितना काम हो रहा है, वेरी गुड 3 यूनिट, हर 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 3 यूनिट काम हो रहा है, टोटल काम कितना है, अभी तो पूरा काम करना है ना भैया, अभी तो 3 करा है, कहां अभी काम हो रहा है, 3 ईंटें लगाई है, 20 लगानी है तो पूरी लगवाते हैं ईंटें। पहले दिन 2 यूनिट, दूसरे दिन 1 यूनिट, 2 दिन में कितना हुआ, आंसर के पास जाए, 20 के पास जाए, ऐसी संख्या से इंटू करें जिससे अपन 5 हो जाए। देखना एक बात याद रखना, ज्यादा से इंटू मत कर देना, कम से कर देना। इसका 6 से इंटू करूं, इसका 6 से इंटू करूं, 7 से करूंगा तो कितना हो जाएगा, 21, तो ज्यादा हो जाएगा, कम आ जाए, ज्यादा ना आना चाहिए, एकदम क्लोज जाना है। 12 दिन में कितना, 18 यूनिट, यस और नो, 12 दिन में कितना हो गया भैया, 12 डेज में, एनी डाउट सो फार? अब सर 12 दिन में हो गया 18 यूनिट, अब ये तो दिक्कत हो गई, 2 दिन में 3 यूनिट हो रहा है, करें क्या? आप मेरे को बताओ पहले दिन किसने काम किया, दूसरे दिन किसने, एक सेकेंड, पहले दिन किसने काम किया, तीसरे दिन किसने किया, पांचवें दिन कौन करेगा, सातवें दिन कौन करेगा, ए, नवे दिन कौन करेगा, ए, ग्यारहवें दिन कौन करेगा, ए, तेरहवें दिन कौन करेगा, ए। सिंपल सी चीज बता दो, हर ऑड नंबर वाले दिन कौन काम कर रहा है, ए, और हर इवन नंबर वाले दिन कौन काम कर रहा है, बी। विषम संख्या वाले दिन ए काम कर रहा है और सम संख्या वाले दिन बी काम कर रहा है। अगला दिन कौन सा आएगा, विषम या सम, इवन या ऑड, ऑड नंबर ही आएगा। एक दिन प्लस कर दूं, किसकी बारी आएगी, ए कितना करेगा आते से ही, प्लस 2, मतलब 13 दिन में 20 यूनिट काम निमट गया, पूरा काम कितने दिन में हो गया, सिंपल कर लो। एनी डाउट सो फार, अभी तक कोई डाउट? ये मैं आपको दोबारा नहीं समझाऊंगा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और समझ में आ जाएगा। देखो, ए किसी काम को 10 दिन में करे, बी किसी काम को 20 दिन में करे, और सी उसी काम को 30 दिन में। ए डज द वर्क इन 10 डेज, बी डज द वर्क इन 20 डेज, सी डज द सेम वर्क इन 30 डेज। ए ने 10 लिए, आप ट्रिक से लिखते चल रहा है ऐसे फॉर्मेट से, बी ने 20 लिए और सी ने 30 लिए। पहले दिन ए काम कर रहा है, दूसरे दिन बी काम कर रहा है, तीसरे दिन सी काम कर रहा है, चौथे दिन किसकी बारी आएगी, ए की, पांचवें दिन किसकी बारी आएगी, बी की, छठवें दिन किसकी बारी आएगी, सी की, और आगे भी ऐसा ही चलता रहे। अल्टरनेट डेज, पहले दिन ए, फर्स्ट डे पे ए, सेकंड डे पे बी, थर्ड डे पे सी, फोर्थ डे पे ए, फिफ्थ डे पे बी, और सिक्स्थ डे पे सी, और आगे भी ऐसा ही चलता रहे, तो टोटल कितने दिन में काम निपटेगा? सबसे पहले क्या करें,
रट लो ये डेफिनेशन। मैथ्स में सबसे पहले क्या करना है, डाटा कलेक्ट। तो करते हैं, ए ने कितने दिन में करा, 10। बी ने कितने दिन में करा, 20। सी ने कितने दिन में करा, 20। डेज वर्कर्स, पहले दिन कौन ने काम करा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, सी। टोटल यूनिट वर्क, डाटा कलेक्ट हो गया, अब करें टोटल यूनिट वर्क कितना, 10 दिन में 60 यूनिट एक दिन में, 20 दिन में 60 यूनिट एक दिन में, 30 दिन में 60 यूनिट एक दिन में। पहले दिन किसकी बारी है भैया, ए कितना कर रहा है एक दिन में, तो पहले दिन कितना काम होगा, दूसरे दिन कितना काम होगा, बी का एक दिन का है ना, एक दिन का चल रहा है ना, तो तीन कर रहा है। सी कितना करेगा, यस और नो? अरे पहले दिन एक ही बारी है, ए एक दिन में छह कर रहा है तो पहले दिन छह होगा, दूसरे दिन बी की बारी है, बी एक दिन में तीन कर रहा है, दूसरे दिन तीन होगा, सी एक दिन में दो कर रहा है, तीसरे दिन सी कर रहा है, इसलिए दो होगा। तो हर तीन दिन में 11 यूनिट हो रहा है क्या, आप मेरे को बताओ, तीन दिन में ग्यारह, इसके बाद तीन दिन में 11, एक स्टैंडर्ड हमारा क्या बन गया, तीन दिन में 11 यूनिट। एनी डाउट सो फार, कोई डाउट, किसके पास जाना है मेरे को, 30 के, 20 के, 10 के या 60 के, टोटल यूनिट के पास जाना है ना, पूरा काम तभी तो होगा। काय से मल्टीप्लाई करूं, ज्यादा ना हो कम हो जाए, 5 से कर दूं, इसका 5 से, इसका 5 से, 15 दिन में कितना हो गया, 55 यूनिट। 16वें दिन किसकी बारी आएगी, एक ही आएगी ना दोबारा, अरे इवन ऑड नहीं देखने इसमें, एक पूरा कंप्लीट हो गया ना, 15 में 5 बार तीनों ने काम कर लिया, अब दोबारा से रिपीट यही साइकिल हो गया, अब एक ही बारी आएगी ना, ये सुन लो, ए कितना कर रहा है, बात ऐसी, अब तो दिक्कत हो गई, ए ने कितना करना चाह रहा है, 6, मैं तो 6 ही करूंगा, हमको कितना चाहिए, 5 और चाहिए, 55 हो गया, 5 और चाहिए, ए कितना करेगा, जल्दी बोलो, ए कितना करेगा, आपको कितना चाहिए, ए कितना करेगा, आपको कितना चाहिए, आप मेरे को बताओ, ए एक दिन में 6 कर रहा है, आपको 5 चाहिए, तो एक दिन से कम समय लेगा या ज्यादा समय लेगा, कम समय लेगा ना, ए तो कह रहा है मैं नहीं मानू, मैं तो 6 ही करूंगा, आप कह रहे हो मैं भी नहीं मानूंगा, मेरे को तो 5 ही करवाना है, एक ईंट ज्यादा क्यों लगवाऊं, आपको चाहिए 5, ए 6 करेगा तो एक दिन से कम ही समय लेगा, आपको जो चाहिए ना उसको रखो ऊपर, मतलब कितना, 5, ए जितना करेगा उसको रखो 6, मतलब 5/6, मतलब कितने दिन में काम हो गया, 5/6 डेज। अब इस 5/6 का मतलब क्या है, एक दिन में कितने घंटे, जल्दी बोलो, एक दिन में कितने घंटे, 24 × 5/6 कर दूं तो कितना आ रहा है, 20, मतलब 15 दिन 20 घंटे। आप मेरे को बताओ यार, ए ने एक दिन में 6 यूनिट काम करा, 24 घंटे में कितना करा, एक घंटे में कितना करेगा, 4, 20 कितने घंटे में करेगा, सॉरी 5 यूनिट कितने घंटे में करेगा, 20 में, लेकिन हमारे एग्जाम में घंटों को नहीं पूछा जाता है, आपसे ये पूछा जाएगा, आपको जो चाहिए वो ऊपर, ए जितना करेगा वो नीचे, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आओ, सेम क्वेश्चन है, एक सेकंड रुक जाओ, सेम क्वेश्चन है, लेकिन पहले दिन अब मैं करवा रहा हूं सी से, दूसरे दिन बी से, तीसरे दिन ए से, कर लो, समझ में आ गया, सेम क्वेश्चन है, पहले दिन सी कर रहा है, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, करके बताओ जल्दी, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें हमने अंतर कर दिया है, 17 दिन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 17 दिन सही है, 17 करिए, जिसका नहीं आया करिए, बताइए 17, बहुत बढ़िया, देख लेते हैं जरा कैसे आ रहा है 17, सेम क्वेश्चन है,
थोड़ा सा अंतर लास्ट में ही आ रहा होगा, है ना। ए कितने दिन में कर रहा है, बी 20, सी 30, स्पीड बढ़ा रहा हूँ। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, चौथे दिन, सॉरी, पहले दिन सी, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवे दिन। कम्युनिकेट करो दोस्तों, ये यहाँ तक क्लियर, आगे भी ऐसे ही चलेगा, यस और नो। टोटल यूनिट कितना, 10 दिन में 60 एक दिन में, 20 दिन में 60 एक दिन में, 30 दिन में 60 एक दिन में। शुरू वाले दिन कौन काम कर रहा है, सी एक दिन में कितना कर रहा है, पहले यूनिट कितना काम निपटेगा, दूसरे दिन, हर तीन दिन में कितना हो रहा है, दो तीन और छः, हर तीन दिन में कितना हो रहा है, आपको कितना चाहिए, 60 के क्लोज जाए, 5 से इंटू कर दे दोबारा, वेरी गुड कर देते हैं। 15 दिन में कितना काम हो गया, 55 यूनिट, यस और नो। 16वें दिन किसकी बारी आएगी, एक दिन प्लस कर लूँ, कितने यूनिट प्लस हो जाएगा, 2 यूनिट प्लस होगा ना, यस और नो। 16 दिन में कितना काम हो गया, 57 यूनिट। 17वें दिन किसकी बारी आएगी, एक दिन प्लस करूंगा, कितने यूनिट प्लस होंगे, 17 दिन में कितना हो गया, हो गया काम पूरा, यही चाहिए था ना, सिंपल। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखिए, ए किसी काम को 10 दिन में करे, बी किसी काम को 8 दिन में करे, और सी उसी काम को 14 दिन में करे। ए कितने दिन में, बी कितने दिन में, सी कितने दिन में। पहले दिन ए और बी काम करते हैं, पहले दिन कौन काम कर रहा है, ए और बी, दूसरे दिन कौन काम कर रहा है, सी, तीसरे दिन ए और बी, चौथे दिन बी, पांचवें दिन ए और बी, छठे दिन सी, ऐसा ही चलता रहेगा, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको लिखवा देता हूं और हाथ तो हाथ सॉल्व करते हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ पाए और अगले टाइप के चैप्टर पे आ पाए। पहले ए कितने दिन में निपटा रहे, बी 8 और सी 14, ओके। पहले दिन कौन काम कर रहे हैं, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन और छठे दिन, यहाँ तक क्लियर है, ऐसे ही चल रहा है। अरे पहले दिन ए और बी काम कर रहे हैं ना भैया, दूसरे दिन सी, तीसरे दिन ए और बी, चौथे दिन सी, पांचवें दिन ए और बी, छठे दिन सी, क्लियर, बताओ यस और नो। टोटल यूनिट कितना आ गया, 280 यूनिट। 10 दिन में 280 एक दिन में, 8 दिन में 280 एक दिन में, 40 पक्का, 40 ही आ रहा है, 14 दिन में, हाँ कितना आ रहा है, अरे जल्दी करो यार कि 280 आ भी रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ मेरे को, आप लोग ही मेहनत करो। 10, 8 और 14 का एलसीएम कितना आ रहा है, दो सौ अस्सी आ रहा है, कितना आ रहा है, 35 यूनिट। 14 दिन में 280 एक दिन में, यहां तक कोई डाउट। पहले दिन कौन काम कर रहा है, ए और बी एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है, 28 और 35 कितना हो गया, 63 हुआ ना, यस और नो। पहले दिन किस किस की बारी है, आप मेरे को बताओ, ए ने कितना करा, बी ने कितना करा, पहले दिन इतना काम होगा, दूसरे दिन कितना होगा, तीसरे दिन कितना होगा, सही कर रहा हूं क्या, हर दो दिन में कितना काम हो रहा है बताओ, 83। इन दो दिनों में कितना काम हुआ, इन दो दिनों में कितना काम हुआ, हर दो दिन में कितना हो रहा है, बोलो, दो दिन में 83 यूनिट, हमको कितना करना है, आंसर के क्लोज जाए, किससे इंटू करूं, तीन से या चार से, तीन से इंटू कर देता हूं, वेरी गुड। छह दिन में कितना काम हो गया,
83 इंटू थ्री 249, ठीक है। सातवें दिन किसकी, सॉरी सातवें दिन किसकी बारी आएगी, ए और बी की। ए और बी कितना कर रहे हैं, ए और बी कितना कर रहे हैं, 63 तो बहुत ज्यादा हो गया, 63 ज्यादा हो गया ना, बताओ हुआ कि नहीं। आपको कितना चाहिए, 31। आपको कितना चाहिए, कितना कम पड़ रहा है, अरे 249 तो हो गया, 280 चाहिए, 31 चाहिए। वो कितना करेंगे, आपको कितना चाहिए, वो कितना करेंगे, जो आपको चाहिए ऊपर, जो करे वो नीचे। 631/63 दिन में काम पूरा हो जाएगा, ऐसा चलता रहा तो। ठीक है दोस्तों, एनी डाउट सो फार। 2 मिनट का समय, अच्छे से पूरा एनालिसिस कर लो, 3 मिनट का समय दे रहा हूं। अगला पार्ट इससे टोटल डिफरेंट है, टोटल यूनिट का कंसेप्ट चेंज हो जाएगा, तो करिए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन लिखो। 4 पार्ट है, तीसरे पार्ट पे आ गए, पहला हमने देखा, दूसरा हमने देखा, तीसरे में 2 क्वेश्चन करने, एक ही क्वेश्चन करना है, अच्छे से समझा दूंगा और फिर चौथे पे आएंगे। लिखो, यदि 6 महिलाएं और, यदि इंग्लिश में भी डिक्टेट करूंगा, यदि 6 महिलाएं और 12 बच्चे, यदि 6 महिलाएं और 6 महिलाएं या कर लो, या यदि 6 महिलाएं या 12 बच्चे किसी काम को 18 दिन में करते हैं, यदि 6 महिलाएं या 18 बच्चे, सॉरी 12 बच्चे किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। इफ 6 वुमेन और, 6 वुमेन इंग्लिश में और 12 चिल्ड्रन Does a work in 18 days? If 6 women or 12 children does a work in 18 days, तो 4 महिलाएं और 18 बच्चे उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 4 महिलाएं और 18 बच्चे उस काम को कितने दिन में करेंगे, इंग्लिश में। सो हाउ मेनी डेज विल 8 वुमन एंड 18 चिल्ड्रन टेक टू कंप्लीट द वर्क। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है सर, पहले डाटा को कलेक्ट कर रहा हूं, जो लिख नहीं पाए हैं बोर्ड से मैं आपको समझा दूंगा, उसको समझ लेना। अच्छा, हम इसको पहले हिंदी में ही देखते हैं। अच्छा आप मेरे को बताओ, मैंने बोला 3 and 7 तो मेरे को 3 भी चाहिए और 7 भी चाहिए। मैंने बोला 3 और 7, मेरे को या तो 3 चाहिए या तो 7 चाहिए। कंप्लीट, क्लियर। पहले सेंटेंस में क्या लिखा है कि 6 वुमेन और 6 वुमेन, यही है, इसको हिंदी में लिख देता हूं, 6 वुमेन या 12 बच्चे किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में कर रहे हैं। यहां तक किसी को डाउट? अगला पार्ट क्या कह रहा है, और एंड आ रहा है ना, कितने दिन में करेंगे। पहले और दूसरे सेंटेंस में जमीन आसमान का फर्क है। आप मेरे को बताओ,
जितने काम छह महिलाएं कर सकती हैं या छह महिलाएं किसी काम को 18 दिन में करती है, 6 वुमेन किसी काम को 18 दिन में करती है। अगर उस काम को 12 बच्चे करें तो भी 18 दिन लगेंगे, मतलब 6 वुमेन बराबर 12 चिल्ड्रन। यस और नो? 6 वुमेन में उतनी कैपेसिटी है काम करने की जितनी 12 बच्चों में है, मतलब 6 वुमेन भी उस काम को 18 दिन में निपटाएंगी और अलग से 12 बच्चे काम करेंगे तो भी 18 दिन में निपटाएंगे। 6 महिलाएं करें तो भी 18 दिन में या 12 बच्चे करें तो भी 18 दिन में, मतलब जितना काम 6 वुमेन कर सकती हैं कितना काम कर सकती है, 12 बच्चों के बराबर। मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 6 वुमेन इज इक्वल टू 12 चिल्ड्रन। यहां तक क्लियर? और यहां पे क्या लगाऊंगा मैं, प्लस या इज इक्वल टू? यहां पे तो प्लस लगेगा ना क्योंकि एंड है, यहां पे हो गया प्लस। क्लियर? 6 वुमेन बराबर 12 चिल्ड्रन, 1 वुमेन बराबर 12 अपॉन 6, 2 चिल्ड्रन, 1 वुमेन बराबर 2 चिल्ड्रन। यहां तक क्लियर? ओके, 1 वुमेन बराबर 2 चिल्ड्रन है, आपको क्या चाहिए, 18 चिल्ड्रन। अगर एक वुमेन बराबर 2 चिल्ड्रन है, एक वुमेन बराबर 2 चिल्ड्रन है तो 4 वुमेन बराबर कितने चिल्ड्रन होंगे, आपको तो 4 चाहिए ना, 4 वुमेन बराबर कितने चिल्ड्रन होंगे, यहां पे मैं 8 चिल्ड्रन लिख दूं मिटा के। यहां तक क्लियर? अब नया क्वेश्चन क्या हो गया, 26 चिल्ड्रन उस काम को कितने दिन में करेंगे, हमको एक में ही बनाना है किसी में। क्लियर? क्वेश्चन क्या हो गया, 26 चिल्ड्रन उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। एक और बार इस क्वेश्चन को क्योंकि टफ है बताया जाए, पहले लिख रहा है और का मतलब होता है या, मतलब होगा बराबर। दूसरे सेंटेंस में लिख रहा है एंड, मतलब हिंदी का और, इसका मतलब होता है प्लस। 6 वुमेन इज इक्वल टू क्या लिखा है, 6 वुमेन या 12 चाइल्ड उस काम को 18 दिन में करते हैं। ये सुन लो, मतलब 6 वुमेन बराबर 12 चाइल्ड, 1 वुमेन बराबर 2 चाइल्ड, यही होगा। हमको कितने चाहिए, 4 वुमेन प्लस 18 चाइल्ड, 1 वुमेन बराबर 2 चाइल्ड, 4 वुमेन बराबर 8 चाइल्ड। यहां पे मैंने क्या लिख दिया, कुल मिला के कितने चाइल्ड हो गए, 26 चाइल्ड उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यही हो गया क्वेश्चन, 12 चाइल्ड उस काम को कितने दिन में कर रहे थे, 18 दिन में। 12 चाइल्ड उस काम को कितने दिन में पूरा कर रहे थे, 18 दिन में। 1 चाइल्ड उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, आप मेरे को बताओ, 12 इंटू 18 में। ये सुन लो, एक चीज आप मेरे को समझाओ, 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में निपटा रहे हैं, ज्यादा आदमी कम समय लेंगे या ज्यादा समय लेंगे, ज्यादा आदमी कम समय लेंगे, कम आदमी ज्यादा समय लेंगे। 6 बच्चे 18 दिन ले रहे हैं, तो एक बच्चा तो 18 से ज्यादा ही दिन लेगा ना, जब 6 ही 18 दिन में कर पा रहे हैं तो एक तो ज्यादा ही समय लेगा ना, ज्यादा लेगा तो इंटू होगा, कम लेगा तो डिवाइड होगा। 12 बच्चे कितना समय ले रहे हैं, 18, एक कितना लेगा, 12 इंटू 18, आ गया समझ में। एक और बताओ, 12 बच्चे कितने ले रहे हैं, एक बच्चा इनसे ज्यादा लेगा तो 12 इंटू 18, पूरा काम कितने बच्चों को करना है, 26 बच्चे कम समय लेंगे या ज्यादा, डिवाइड बाय 26, सॉल्व कर लो आंसर आ जाए, करो इसको। ओके, समझ में आ गया, डाउट है इसमें किसी को तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। इसका एक ही क्वेश्चन सफिशिएंट है, हो सकता है इस पैटर्न का आ जाए तो आप कर लीजिएगा, अगले पार्ट पे चले। ये सुनो, चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन इस पार्ट को करने के बाद और अच्छे से समझ में आएगा। अभी तक आप मेरे को बताओ, इस क्वेश्चन को छोड़ के क्या हमने एक से ज्यादा व्यक्ति देखा, क्या ए देखा, बी देखा, सी देखा, मतलब उनका अलग अलग वर्क देखा।
टोटल यूनिट वर्क हमको सब में निकालना पड़ता है। अगला जो पार्ट है उसमें टोटल यूनिट वर्क निकालने का कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मान लो मैं आपसे बोलूं 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो इसमें इस तरीके से टोटल यूनिट वर्क निकलेगा क्या? इसमें इस तरीके से जब मैन बढ़ जाएंगे, ए बी सी या किसी का नाम ना है, तो टोटल यूनिट वर्क निकालने का तरीका बदल जाएगा। 10 आदमी 20 दिन में किसी काम को करते हैं, टोटल यूनिट हो गया 10 × 20। समझ में आ गया? 20 आदमी 40 दिन में किसी काम को करते हैं, 20 × 40 टोटल यूनिट। आपको इस चैप्टर में एक सिंपल सी ट्रिक में बताऊं तो ये होगी, वन मैन वन डे वन यूनिट। एक आदमी एक दिन में एक यूनिट करता है, एक आदमी एक दिन में एक यूनिट करता है, 10 आदमी एक दिन में कितना करेंगे? अरे यार, एक आदमी एक दिन में एक कर रहा है, दूसरा दो होंगे तो दो करेंगे, तीन होंगे तो तीन करेंगे, टोटल कितना कर रहे हैं? 50 आदमी एक दिन में कितना करेंगे? 50 यूनिट। 60 आदमी एक दिन में कितना करेंगे? 100 आदमी एक दिन में कितना करेंगे? 500 आदमी एक दिन में कितना करेंगे? यहां तक क्लियर? 50 आदमी 50 दिन में कितना करेंगे? देखिए, एक दिन में 50 आदमी कितना करेंगे, हर व्यक्ति अपना एक एक यूनिट करेगा, पूरे 50 ने कितना कर दिया? 50। 50 दिन में कितना करेंगे? 50 × 50। अगर इतना समझ में आ रहा है तो समझ लो एक आदमी एक दिन में एक यूनिट ही काम करेगा, बस ये ट्रिक रट ही लो अभी के अभी। अच्छा, एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूं, 20 आदमी 500 दिन में कितना करेंगे? 20 × 500 टोटल यूनिट वर्क। 5000 आदमी 5000 दिन में कितना करेंगे? 5000 × 5000। 500 आदमी कितने दिन में करेंगे? 500 आदमी 2 दिन में कितना करेंगे? 500 × 2। एक क्वेश्चन लिखो, यदि 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में निपटाते हैं, तो 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में निपटाते हैं तो 15 आदमी उस काम को कितने दिन में निपटाएंगे? तो 15 आदमी उस काम को पूरे दिन में कितने दिन में पूरा करेंगे? चलिए देखिए, हमने इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक लिखी है, वन मैन वन यूनिट वन डे, सॉरी वन मैन वन डे वन यूनिट, यही होगा। आप मेरे को यह बताओ कितने आदमी है, कितने दिन है? एक आदमी एक दिन में एक यूनिट, दो आदमी एक दिन में दो यूनिट, हर एक व्यक्ति अपना एक एक यूनिट कर रहा है ना, 10 आदमी एक दिन में 10 आदमी एक दिन में 10 यूनिट, 10 आदमी 20 दिन में कितना? 10 × 20। क्लियर? तो टोटल यूनिट कितना आ गया? 200 यूनिट। बहुत बढ़िया, टोटल यूनिट काम कितना है? 200 यूनिट। 10 आदमी 20 दिन में कितना काम करेंगे, टोटल यूनिट क्या आएगा? 10 × 20, जो भी दो संख्या है उनका इंटू कर दो, कितने आदमी का निकालना है? 15 आदमी, 15 आदमी कितने दिन में करेंगे? 200/15 में। यह सुन लो, सिंपल है ना। अगला क्वेश्चन लिखो, इसमें एक चीज याद रखना, वन मैन वन यूनिट वन डे। लिखिए अगला, यदि 20 आदमी किसी काम को 80 दिन में निपटाते हैं तो उसी काम को 45 आदमी कितने दिन में निपटाएंगे? ये मैं आपको ट्रिक से भी बता सकता हूं, लेकिन उससे अगले लेवल के क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, इसलिए इसको इस लेवल पे समझना इस तरीके से जरूरी है। बताइए, चलो पहले डाटा कलेक्ट, बताओ दोस्तों क्या चल रहा है, कितने आदमी है, कितने आदमी थे, कितने हैं, कितने हैं? वेरी गुड। टोटल यूनिट कितना आएगा? 20 × 80। मतलब आप रट लो, एक बार बोल के देख लो, खुद ही लिख लो, ऊपर की तरफ लिख लो, 20 आदमी 80 दिन में 20 × 80 यूनिट काम करेंगे। आ गया समझ में? इसको चार पांच बोल लो, चार पांच बार बोल लो, रट जाएगा। 20 आदमी 80 दिन में 20 × 80 यूनिट काम करेंगे। क्लियर?
20 आदमी 80 दिन में 20 इनटू 80 यूनिट काम करेंगे, टोटल यूनिट कितना हो गया? कितने आदमियों को निपटाना है 1600 यूनिट? अब कितना दिन लेंगे? 1600 अपॉन 45। क्लियर? अगले क्वेश्चन को लिखो। यदि ये कैसा चल रहा है, हमारी विचारधारा क्या है इसके पीछे? वन मैन वन डे वन यूनिट। ये विचारधारा को भूलना मत। देखो, यदि लास्ट पार्ट पे, लास्ट क्वेश्चंस पे हम आ रहे हैं, यदि इंग्लिश में डिक्टेट करूंगा, वेट करना। यदि 10 इंजीनियर, यदि 10 इंजीनियर किसी काम को 6 घंटे में कर लेते हैं, घंटों से कुछ अंतर नहीं पड़ेगा ना दोस्तों, वही कंसेप्ट रहेगा। यदि 10 इंजीनियर किसी काम को 6 घंटे में कर लेते हैं, ओके, वेरी गुड। इफ 10 इंजीनियर्स कैन डू ए वर्क इन 6 आवर्स, इफ 10 इंजीनियर्स कैन डू ए वर्क इन 6 आवर्स, यदि 10 इंजीनियर किसी काम को 6 घंटे में कर लेते हैं, यदि वे सभी काम को करना, यदि वे सभी काम को करना सुबह 10 बजे से शुरू करते हैं, मतलब पूरे के पूरे 10 इंजीनियर कब से शुरू करते हैं? सुबह 10 बजे से काम को करना स्टार्ट करते हैं, और 10 बजे के बाद, सॉरी 10 बजे के बाद नहीं, और 12 बजे के बाद एक घंटे में 2 इंजीनियर काम को छोड़ के चले जाते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है सर, और टफ क्वेश्चन है, लेकिन हमको टफ नहीं लगेगा। क्या बोला मैंने? 10 इंजीनियर कितने घंटे में काम को कर रहे हैं? 6 घंटे में। कितनी बजे काम स्टार्ट किया? 10 बजे से 11 बजे, 11 बजे से 12 बजे कितने इंजीनियर ने काम किया? पूरे 10 ने। 12 बजे के बाद हर घंटे में कितने इंजीनियर काम को छोड़ के जाने लगे? काम कितनी बजे पूरा होगा? काम कितनी बजे पूरा होगा? सिंपल है, घबराओ मत, डाटा कलेक्ट करो और कुछ मत करो। तो भैया एक बात बताओ मेरे को पहले तो, आप एक इंजीनियर एक घंटे में कितने यूनिट काम करेगा? एक एक इंजीनियर एक घंटे में कितना काम करेगा? दोबारा, एक एक इंजीनियर एक घंटे में एक यूनिट, दो इंजीनियर एक घंटे में दो यूनिट, हर व्यक्ति अपना एक एक यूनिट कर रहा है ना, 10 इंजीनियर एक घंटे में 10 यूनिट। क्लियर? चले करें, वेरी गुड। 10 बजे काम शुरुआत हुई, सुबह 10 बजे कितने इंजीनियर हैं? पूरे ना, कितने यूनिट काम करेंगे? पहले तो रुक जाओ, शुरू से क्वेश्चन को कलेक्ट करते हैं। 10 इंजीनियर किसी काम को 6 घंटे में करते हैं, यही है टोटल काम, बताओ। 10 इंजीनियर 6 घंटे में काम करते हैं, मतलब टोटल हो गया 10 × 6, 60 यूनिट। 50 इंजीनियर 6 घंटे में कितना काम करेंगे? 50 × 6, 10 इंजीनियर 6 घंटे में कितना काम करेंगे? 10 × 6, अभी मैंने आपको बताया टोटल काम कितना करना है। 10 बजे से काम शुरू हुआ, कितने इंजीनियर है उस समय, कितना काम करेंगे? 10 से 11 के बीच में, 11 से 12 के बीच में कितने है? कितना काम करेंगे? यस और नो? यस और नो? 12 से 1 के बीच में कितने? 2 चले गए, 8 बचे, कितना काम करेंगे? 8 यूनिट। 1 से 2 के बीच में कितने हैं? कितना काम करेंगे? 6 यूनिट। ओके, ऐसा कर लेते हैं, चार कर लेते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लो, चार कर लो, मतलब 10 इंजीनियर 4 घंटे में किसी काम को निपटा लेते हैं। ओके, समझ में आ गया क्या? 10 इंजीनियर 4 घंटे में कितना काम करेंगे? 10 × 4 यूनिट। 20 इंजीनियर 20 घंटों में कितना काम करेंगे? 20 × 20 यूनिट। 10 इंजीनियर 4 घंटों में कितना काम करेंगे? 10 × 4 यूनिट। तो टोटल इंजीनियर 10 है,
एक घंटे में 10 इंजीनियर है, 10 यूनिट काम करेंगे, 11 से 12 के बीच में भी 10 है, 10 यूनिट काम हो गया। अब 12 से 1 के बीच में 2 चले गए, हर 2 घंटे, हर एक घंटे में 2 जा रहे हैं, 1 से 2 के बीच में 2 और चले गए, कितना काम हुआ बोलो? 2 से 3 के बीच में कितने बचे, कितना काम होगा? 3 से 4 के बीच में कितने बचे, कितना काम होगा? कर लो कितना रहे, 20 तो हो गया, हो गया पूरा टोटल 40 हो गया, मतलब कितनी बजे काम निपटा? वेरी गुड। कुछ भी लेवल का क्वेश्चन हो बस करते आना चाहिए, एक बार एक ट्रिक सीख लो बस। अच्छा मेरे को ये बताओ, हर घंटे अगर उस काम को आके 2 इंजीनियर जुड़ जाते तो क्या होता? 12 यूनिट हो जाती ना, 12 इंजीनियर हो जाते तो 12 यूनिट, फिर 14 हो जाते तो 14 यूनिट। समझ में आ गया? किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो आप कर सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडे। इसको जाके आप घर पे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? और आपको कोई डाउट हो तो पूछ लेना, आज के लिए इतना काफी है।